Hello and welcome friends, my name is Suraj Kumar Tiwari and you are watching Computer and Excel Solution Channel. Friends, आज हम यहाँ पर कई फॉर्मूले एक साथ लगाने के बारे में सीखेंगे और साथ ही साथ राइट लेफ्ट लेन मिड वी लुकअप एच लुकअप मॉड और सम इफ ठीक है ये सारे फॉर्मूले सीखेंगे और इन सारे फंक्शंस जो होम टैब में आपको दिख रहे हैं एक एक करके सारे फंक्शंस के बारे में जानेंगे. थोड़ा सा वीडियो लंबा होगा लेकिन यकीन कीजिए इस टैब में आपको कुछ भी समझना बाकी नहीं रह जाएगा और एक्सेल से आने वाले लगभग 5-7-8 क्वेश्चन आपको इससे मिल जाएंगे, उम्मीद करता हूं, आई होप. तो चलिए स्टार्ट किया जाए इस वीडियो को. सबसे पहले हमें डेटा लेके आना है. तो डेटा कैसे लाएंगे, जैसे मैं यहाँ डेटा लेके आता हूँ, नेम ऑफ स्टूडेंट. ठीक है, मैं यहाँ डेटा टाइप कर रहा हूँ, आप ध्यान से देखते रहिए, आपको सिर्फ देखना है. अब इसको रिसाइज करना है तो यहाँ पे रखिए कर्सर, Alt H O I दबा दीजिए और नहीं तो यहाँ से खींच करके भी आप रिसाइज कर सकते हैं, मैं पहले भी बता चुका हूँ. और यहाँ पर कुछ सब्जेक्ट्स के नाम होंगे, जैसे मैं लिखता हूँ हिंदी, फिर यहाँ लिखता हूँ इंग्लिश, फिर यहाँ लिखता हूँ मैथ MATH, ठीक है, और यहाँ लिखता हूँ साइंस, यहां लिखता हूं सोशल साइंस यानी SST कर देता हूं, यहां लिखता हूं ड्राइंग. तो ये हमारे पास अभी कितने सब्जेक्ट हो गए, 6 सब्जेक्ट हो गए. और इनका जो ऑप्टेंड होगा यानी टोटल होगा, ठीक है, ऑप्टेंड बोलते हैं प्राप्त किया को, ठीक है, ऑप्टेंड मार्क्स मैं लिखता हूं MARKS, ठीक है. अब देखिए मैं यहां से रिसाइज करके आपको दिखाता हूं, ये पकड़ेंगे यहां पे, यहां पे जब प्लस टाइप का साइन बनेगा और दो एरो वाले ये जो साइन बने हुए हैं वैसे साइन बनेंगे तो यहां से पकड़िएगा. अब यहां देखिए जैसे ही मैं यहां क्लिक करता हूं तो यहां पे क्या आ रहा है, विथ 8.43, यानी ये क्वेश्चन भी बराबर अराइज होता है. ठीक है, अगर आप एक्सेल से संबंधित कोई भी इंटरव्यू या टेस्ट देने जाते हैं तो कॉलम्स की चौड़ाई के बारे में पूछा जाता है, बाई डिफॉल्ट कितनी चौड़ाई होती है, तो कितनी दिख रही है, 8.43, ओके वेरी गुड. तो 8.43 दिख रही है, तो बाय डिफॉल्ट कितनी होती है चौड़ाई, 8.43, तो ये याद रखिएगा. ठीक है, अब इसको चौड़ा कर लेते हैं हम और यहां पर आएंगे तो यहां पर हम करेंगे टोटल. टोटल यानी कितने नंबर का ये टेस्ट था. ठीक है, यहां पर निकालेंगे मैक्सिमम, ठीक है, यहां पर निकालेंगे मिनिमम. अब एक चीज और ध्यान दीजिए, जैसे यहां MIN मैंने लिखा और एंटर प्रेस करता हूं तो ये जो है किधर की तरफ गया हुआ है, किधर की तरफ अलाइन है. जैसे यहां पर मैंने मैक्सिमम मिनिमम और यहां पे मैं कर देता हूं एवरेज, तो A मैंने लिखा और एंटर करता हूं तो किधर, ये A किधर है, किस साइड है, कौन सी साइड है, दाहिने है, बाएं है, लेफ्ट है, राइट है, अप है, डाउन है, किधर है, लेफ्ट में है. बहुत सही, तो ये टेक्स्ट हमेशा किधर अलाइन होता है, लेफ्ट में, लेफ्ट में अलाइन होता है, ये लेफ्ट है, लेफ्ट मैने बाया, ठीक है, तो बाएं अलाइन होता है. यहां मैं लिखता हूं एवरेज, ठीक है, तो ये एवरेज हो गया. इसके बाद यहां हम ग्रेड निकालेंगे, ठीक है, यहां निकालेंगे हम पास्ड इन सब्जेक्ट और फेल्ड इन सब्जेक्ट, पास्ड इन सब्जेक्ट SUBJECT, पास्ड इन सब्जेक्ट PASS होता है, यहां पे सही कर लेते हैं, ठीक है, तो पास डिन सब्जेक्ट. अब इसको रिसाइज मैं शॉर्टकट की के थ्रू कर रहा हूं, क्या दबाना है हमें, पहले अल्ट दबाइए, फिर एच दबाइए, फिर ओ दबाइए, फिर आई दबाइए और ये हो गया रिसाइज. अब यहां पे करता हूं मैं फेल्ड इन सब्जेक्ट, FAILED, फेल्ड इन सब्जेक्ट SUBJECT, देखिए ध्यान से, ठीक है, तो ये फेल्ड इन सब्जेक्ट हो गया. अब इसको भी अल्ट एच ओ आई करके रिसाइज कर देता हूं तो ये भी रिसाइज हो गया. ठीक है, अब एक एक करके सबको समझेंगे हम. ठीक है, चलिए सबसे पहले ये समझते हैं कि एक्सेल में जो हाईएस्ट जूमिंग परसेंटेज होती है वो कितनी होती है. देखिए यहां पे मैं जूम कर रहा हूं, देखिए 400 होती है जूमिंग की परसेंटेज, हाईएस्ट जूमिंग जो होती है. ठीक है, ये हाईएस्ट जूमिंग कितनी होती है, 400%. इसको क्या बोलते हैं, ये जो यहां पे बना हुआ है ये 400% लिखा हुआ और ये जो पट्टी सी बनी हुई आपको दिख रही होगी, ये इस पट्टी को क्या बोलते हैं हम, इसको क्या बोलते हैं हम, इसको बोलते हैं स्टेटस बार. क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, स्टेटस बार. ठीक है, तो अब यहां पर आते हैं, इसको सही कर लेते हैं हम थोड़ा, ठीक है,
तो ये दिख रहा होगा आपको। अब हम इधर आते हैं और इसमें हम डेटा डालेंगे, ठीक है। डेटा डालने के पहले यहाँ कुछ हम नेम एंट्री करा लेते हैं, जैसे यहाँ लिख दिया मैंने अंबिका राम, यहाँ लिख दिया श्याम सौरभ, ठीक है, रमेश रानी सुनीति सुनिधि कर दिया यहां पे। इतने हमने डेटा ले लिए हैं, ठीक है। और देखिए ये अपने आप जो है किधर की तरफ अलाइन हो रहा है, किधर की तरफ अलाइन हो रहा है, लेफ्ट की तरफ। तो टेक्स्ट हमेशा किधर अलाइन होता है, लेफ्ट में, ठीक है। अच्छा, हम चाहते हैं कि ये नाम की जगह हम कोई और नाम लेके आए। चलिए यहां पर भी मैं लिखता हूं अंबिका, अंबिका, ठीक है, ये लिख दिया हमने अंबिका। अब हम चाहते हैं कि ये देखिए ये दो बार अंबिका अंबिका आया है, तो हम इसको रिप्लेस करना चाहते हैं। कैसे रिप्लेस करना चाहते हैं, किसी दूसरे नाम से रिप्लेस करना चाहते हैं। तो क्वेश्चन ये अराइज होता है एक्सेल में कि रिप्लेस की शॉर्टकट की क्या होती है, रिप्लेस की शॉर्टकट की क्या होती है। तो क्या होती है, कंट्रोल के साथ आप एच दबाइए और रिप्लेस वाला बॉक्स खुल जाता है। इसके साथ साथ ये फाइंड वाला भी दिखाई पड़ता है, लेकिन हमें रिप्लेस करना है। क्या रिप्लेस करना है, यहां लिखा हुआ है फाइंड व्हाट, ठीक है। आप किसको खोजना चाहते हैं, तो मैं लिखना चाहता हूं यहां ए एम बी आई के ए, अंबिका को रिप्लेस करना है हमें। और यहां रिप्लेस विथ दिया हुआ है, तो रिप्लेस विथ में हम डाल देंगे इसके जगह पर हम क्या नाम देना चाहते हैं, ठीक है। ये ध्यान दीजिएगा कि हमें एक ही बार अंबिका के नाम को रिप्लेस करना है, दोनों बार नहीं करना है। यहां पर दो बार अंबिका आया हुआ है, यहां पर देखिए एक बार और ये दो बार, हमें सिर्फ एक ही बार अंबिका के नाम को रिप्लेस करना है। और हमने क्या दबाया, तो ये डायलॉग बॉक्स खुल के आया, कंट्रोल के साथ एच दबाया था, ठीक है। तो कंट्रोल के साथ एच दबाया तो खुल के आया। अंबिका को कैसे रिप्लेस करना है, अंबिका को रिप्लेस करना है जैसे मान लीजिए मैं यहां लिख देता हूं सागरिका, ओके, नेम इज राइट सागरिका, यहां लिखता हूं साग जी आर आई के, ठीक है, ये लिख दिया हमने। और हमें रिप्लेस ऑल पे क्लिक नहीं करना, देखिए ये पार्ट पूरा सिलेक्टेड है, आप इस चीज को ध्यान दीजिएगा, इतना पार्ट सिलेक्टेड है और हम रिप्लेस ऑप्शन के बारे में सीख रहे हैं, ठीक है। तो यहां पर हमने अंबिका को रिप्लेस किया है सागरिका से, और मैं सिर्फ एक बार रिप्लेस कर रहा हूं, रिप्लेस ऑल नहीं कर रहा हूं, रिप्लेस कर रहा हूं सिर्फ, ठीक है। अगर मैं फाइंड नेक्स्ट करता हूं तो क्या होगा, कुछ नहीं, अभी हमको सिर्फ रिप्लेस सीखना है, तो रिप्लेस सीखते हैं। तो एक बार रिप्लेस हो जाएगा, देखिए अंबिका के जगह सागरिका आ गया। अब हम इसको क्लोज करते हैं, यानी एक बात तो आपको पता चल गई कि रिप्लेस की शॉर्टकट की क्या होती है, ठीक है। दूसरी चीज आपने ये सीख लिया कि डेटा एंटर करते हैं एक्सेल में, तो एक्सेल देखिए बना किससे होता है, रो और कॉलम से। ये जो 1 2 3 4 5 6 ये सब जो लिखा हुआ दिख रहा है आपको, ये रो है, और ये क्या है ए बी सी डी, ये कॉलम है। तो रो और कॉलम को मिलाने से क्या बनता है, स्प्रेडशीट बनती है, ठीक है। अब इसमें हमें डेटा लेके आना है, तो क्या करेंगे, या तो आप एक एक करके लिखिए, मेरे पास एक तरीका है, मैं यहाँ पे सिखाना है आपको, तो मैं यहाँ पे डेटा लेके आ जाता हूँ, रैंड बिटवीन का फॉर्मूला लगाता हूँ और यहाँ लिखता हूँ 3, कह रहा है कि बॉटम, बॉटम माने होता है नीचे वाला, सबसे नीचे वाला बच्चा जो नंबर पाएगा 3 नंबर पाएगा, और सबसे जो ज़्यादा नंबर पाएगा वो 90 पाएगा। एंटर करता हूँ तो यहाँ एक नंबर दोनों के बीच का आ जाएगा। अब इसको आप ड्रैग कर लीजिए और ड्रैग करके इसको नीचे तक ड्रैग कर दीजिए ताकि सबके नंबर आ गए। अब देखिए यहाँ पर सबके नंबर तो आ गए हैं, लेकिन जैसे ही मैं इसको इक्वल टू यानी जोड़ने की कोशिश करूँगा, यहाँ जोड़ने का फॉर्मूला भी बता रहा हूँ, सम होता है SUM, ठीक है, सम लगा दिया हमने। और यहाँ से यहाँ तक ड्रैग कर दीजिए, देखिए यहाँ से यहाँ तक या तो ड्रैग कर लीजिए एक लाइन, जैसे सागरिका का ये नंबर है, यहाँ से देखिए यहाँ तक आइए, ये देखिए सागरिका का नंबर है। तो हिंदी इंग्लिश मैथ साइंस SST ड्राइंग इन सबको जोड़िएगा तभी तो इनका टोटल आएगा। तो यहाँ पर देखिए ऐसे कर सकते हैं आप, और नहीं तो दूसरा तरीका क्या है, दूसरा तरीका भी बड़ा इजी है। ये देखिए ये बी है और यहाँ 2 रो है, बी कॉलम है और 2 रो है, यानी ये 28 कहाँ पर है, B2 में, ठीक है, कहाँ पे है। अब देखिए जैसे ही मैं क्लिक करता हूँ तो अपने आप यहाँ B2 आ जाएगा, तो यानी ये B2 में है। तो या तो आप B2 लिख दीजिए हाथ से, मैं यहाँ हाथ से भी लिख सकता हूँ, कोई जरूरत नहीं कि ऐसे ही, यहाँ B2 लिख दिया मैंने। और कोलन लगाना है, कोलन शिफ्ट के साथ L के जस्ट बाद वाला बटन दबाइएगा शिफ्ट के साथ, तो कोलन लग जाता है, ठीक है। अब कोलन लगाने के बाद हमको कहाँ तक जाना है, जी
G2, तो यहाँ लिखिए G2, ठीक है, और G2 लिखने के बाद इसको बंद कीजिए और एंटर प्रेस कीजिए। जैसे एंटर प्रेस कीजिएगा ये ऑप्टेंड मार्क्स आ जाएगा, ठीक है। और लेकिन एक चीज़ ध्यान दीजिए, अब इसको मैं ड्रैग करता हूँ, कंट्रोल डी दबाना है आपको, कंट्रोल डी, तो ये सब आ गया। लेकिन बार बार ये नंबर्स चेंज हो रहे हैं, आपने केयर किया होगा, ये नंबर्स बार बार चेंज होते हुए नज़र आ रहे हैं। तो हम क्या ऐसा करें कि ये नंबर चेंज ना हो, हमें क्या करना है, चूंकि हमने फॉर्मूला लगा करके इन सारे नंबर्स को इंसर्ट किया है, तो हमें इन सारे पार्ट्स को सेलेक्ट करना होगा। यहाँ तक हमने नंबर इंसर्ट किया, ये तो हमने बाद में जोड़ा है इसको, तो इस पर आप राइट क्लिक कीजिए, राइट क्लिक मैंने कर दिया, ठीक है, और कॉपी कर लीजिए, इसको कॉपी करिए, फिर राइट क्लिक कीजिए, तो यहाँ पेस्ट स्पेशल का, यहाँ पर ये पेस्ट स्पेशल आ नहीं रहा था, इसके पहले मैं दिखाता हूँ, देखिए ये क्या था, इतना पार्ट, इतना पार्ट जो है मैंने सेलेक्ट किया है। अभी देखिए राइट क्लिक करता हूँ तो ये पेस्ट स्पेशल हाईलाइट नहीं है, मैं इसको कॉपी करूँगा, कॉपी करने के बाद फिर पेस्ट स्पेशल हाईलाइट हो गया, जैसे मैंने कॉपी किया तभी ये पेस्ट स्पेशल हाईलाइट होता है। क्लिक करिए इस पर और इसको बना दीजिए, इस पर वैल्यू पे क्लिक कर दीजिए, और जैसे वैल्यू पे क्लिक करिएगा तो यहाँ पर हो जाएगा, ओके करिए, और यहाँ पर अब देखिए अब ये चेंज नहीं होगा। एक चीज़ और ध्यान दीजिए कि नंबर हमेशा किधर की तरफ अलाइन होता है, राइट की तरफ अलाइन होता है, ओके, तो राइट में है ये, देखिए ये दाहिना है, और इधर यानी इधर की तरफ जो अक्षर लिखे जाते हैं वो लेफ्ट हैं, ठीक है, तो ये टेक्स्ट हमेशा लेफ्ट अलाइन होगा और नंबर हमेशा राइट अलाइन होगा, ये भी क्वेश्चन अराइज होता है, ठीक है। अब यहाँ टोटल करते हैं, तो टोटल मार्क्स कितने हैं, 100 आउट ऑफ, ठीक है, ये टोटल मार्क्स कितने हैं, 100 नहीं है, कितने हैं, 500, कितने सब्जेक्ट हैं, गिनिए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो 600 होगा। तो यहाँ इज इक्वल टू के साथ मैं 600 लिखता हूँ, इज इक्वल टू के साथ क्यों लिख रहा हूँ, क्योंकि अगर मैं डायरेक्टली यहाँ 600 लिखता हूँ तो भी यहाँ आ तो जाएगा, लेकिन ठीक है आ गया है, ऐसे भी आ सकता है, ठीक है, लेकिन हम चाहते थे कि इक्वल टू के साथ फॉर्मूला स्टार्ट होता है, तो फॉर्मूले टाइप का हम लिखें, चलिए कोई बात नहीं, ऐसे ही लिख लेते हैं, और यहाँ इक्वल टू मैक्स का फॉर्मूला लगाएंगे। अब चूंकि हमें क्या निकालना है, मैक्सिमम मार्क्स निकालने हैं, क्या निकालना है, मैक्सिमम मार्क्स, किस सब्जेक्ट में सबसे ज़्यादा नंबर है, ठीक है, तो यहाँ पर मैक्स लगाइए, ठीक है, और क्या करेंगे, यहाँ से यहाँ तक आप सेलेक्ट कर लीजिए, ड्राइंग तक, ठीक है, या तो सेलेक्ट कर लीजिए, ठीक है। अब मैं एक दूसरा तरीका आपको दिखाता हूँ, फॉर्मूला यहाँ FX लिखा हुआ है, इस पर क्लिक कर दीजिए आप, जैसे क्लिक करिएगा तो हमें कौन सा फॉर्मूला चाहिए, आइए देखते हैं, यहाँ मैक्स का फॉर्मूला चाहिए हमें, तो यहाँ पे लिखिए MAX मैक्स और इंटर प्रेस कर दीजिए, तो देखिए यहाँ मैक्स आ गया है। अब ओके प्रेस कीजिए, ओके जैसे ही प्रेस कीजिएगा तो यहाँ पर जो भी लिखा होगा उसको हटा दीजिएगा। अब हमें क्या करना है, यही सेलेक्ट करना है, यहाँ से सेलेक्ट करना शुरू कीजिए और सेलेक्ट करते करते यहाँ तक आ जाइए। आप चाहे तो हाथ से भी लिख सकते हैं इस कॉलम के अंदर, ठीक है, इस फॉर्मूले के अंदर इसको हाथ से भी लिखा जा सकता है। ओके प्रेस कीजिए, तो देखिए सबसे हाईएस्ट जो है सागरिका के 72 नंबर हैं, किस सब्जेक्ट में, हिंदी में, तो ये आ गया। अब हमको बार बार निकालने की जरूरत नहीं, इसको ड्रैग कर दीजिए नीचे तक तो सबका आ जाएगा। तो ये हो गया मैक्स का फॉर्मूला, उम्मीद है समझ में आया होगा। अब मिनिमम का फॉर्मूला देखते हैं, इक्वल टू के साथ मिन लगा दीजिए, और नहीं तो FX पे क्लिक करके भी आप फॉर्मूले को इंसर्ट करा सकते हो। इसके बाद इसको सेलेक्ट कीजिए यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है। तो अब क्या करना है, इसको यहाँ से बंद कर दीजिए, ठीक है, और इंटर जैसे ही प्रेस कीजिएगा तो ये मिनिमम आ गया, ठीक है। अब इसको ड्रैग कर दीजिए नीचे तक तो ये मिनिमम भी आ गया, ठीक है। एवरेज कैसे निकालेंगे, AVERAGE, तो एवरेज, इसमें देखिए कई फॉर्मूले आ रहे हैं, तो गलती से एवरेज ए या एवरेज इफ या एवरेज इफ्स पे क्लिक कर दीजिएगा तो आएगा नहीं एवरेज, तो आपको एवरेज ही रखना है, तो एवरेज रख दीजिए। अब क्या करना है, एवरेज कैसे निकलेगा, इन सारे सब्जेक्ट को सेलेक्ट कर लीजिए, ओके, तो ये आ गया, और इंटर प्रेस करिए बंद करके ब्रैकेट को, तो ये एवरेज आ गया, ठीक है। अब इसको ड्रैग कर दीजिए नीचे, इसको ड्रैग करना बोलते हैं, ठीक है। अब ग्रेड निकालना है, ग्रेड निकालना बहुत ही आसान है, इफ से शुरुआत करनी है हमको, इफ का फॉर्मूला लगाना है, इफ फॉर्मूले से ग्रेड निकल सकता है, हालांकि वी लुकअप फॉर्मूले का यूज करके भी आप ग्रेड निकाल सकते हो, लेकिन अभी हम क्या सीखेंगे, इफ फॉर्मूले से ग्रेड निकालना ही सीखेंगे, ठीक है। कैसे निकालेंगे ग्रेड, हम कहेंगे कि अगर ये जो एवरेज है ना, एवरेज के बिना ग्रेड निकालना मुश्किल है, तो एवरेज जो है इसको सेलेक्ट कर लीजिए, पहला वाला एवरेज, क्योंकि नीचे हम ड्रैग करेंगे
तो फॉर्मूला नीचे भी अप्लाई होता जाएगा, ठीक है। तो अब कहिए अगर ये वैल्यू बड़ी हो या बराबर हो 85 के, ठीक है, कॉमा, देखिए ये जो मुंह खुला होता है ये बड़े का संकेत होता है, ठीक है, और बराबर भी मैंने लगाया है, बड़ा और बराबर दोनों लगाया है। तो बड़ी हो या बराबर हो 85 के, तो कौन सा ग्रेड होगा, सबसे बड़ा ग्रेड होता है एस ग्रेड, तो एस ग्रेड लगा दिया हमने। फिर इफ लगाया हमने, फिर इसी एवरेज को सेलेक्ट कीजिए बार बार, बड़ी हो बराबर हो, अब चूंकि 85 तक हमने कर दिया है, अब 75 पे आएंगे, कॉमा, अगर 75 तक नंबर होगा तो कौन सा ग्रेड होगा, ए ग्रेड होगा, ठीक है। 75 हो, 85 से कम हो ले, और 75 तक हो, 75 से कम ना हो, 75 तक हो, इसके बीच का होगा तो ए ग्रेड आएगा, कॉमा दीजिए, इफ लगाइए फिर से। अब कौन, फिर इसको सेलेक्ट कीजिए, अब फिर हमको बड़ा हो बराबर हो, अब 65 पर करते हैं, 65 यानी यहां पर लिखी हुई वैल्यू जो एवरेज में आई है वो बड़ी हो या बराबर हो किसके, 75 के, सॉरी 65 के, ठीक है। अगर 65 से बड़ी हो या बराबर हो तो कौन सा ग्रेड आएगा, सी ग्रेड आएगा, सॉरी बी ग्रेड आएगा, ठीक है, बी ग्रेड आएगा, यहां हमने बी दे दिया, ठीक है, कैपिटल देते हैं, यहां लिखते हैं बी, ठीक है, तो ये बी ग्रेड हो गया, कॉमा देंगे और फिर इफ लगाएंगे, ठीक है। अब देखिए इफ के अंदर, इफ जब लगता है एक फॉर्मूले के अंदर, वही फॉर्मूला जब लगाया जाता है तो उसे नेस्टेड कहते हैं, क्या कहते हैं। अब ये भी क्वेश्चन बार बार अराइज किया जाता है, खासतौर पे ओ लेवल में या ट्रिपल सी में, जब आईटी टूल्स का आप जब एग्जाम देते हो, ओ लेवल में या ट्रिपल सी का पेपर भी देते हो, तो ये क्वेश्चन बराबर अराइज कर लिया जाता है कि क्या होगा, इसे क्या कहते हैं, फॉर्मूले के अंदर फॉर्मूला लगाने को क्या कहते हैं। तो आपको पता होगा तो झट से जवाब दे दोगे, तो फॉर्मूले के अंदर फॉर्मूला लगाना क्या कहलाता है, नेस्टेड, ठीक है, क्या कहते हैं, नेस्टेड कहते हैं। अब देखिए, अब फिर वही, इसको सेलेक्ट कीजिए, बड़ा हो बराबर हो 55 के, कॉमा, सी ग्रेड, ठीक है, कॉमा, इफ, फिर इफ लगाइए और फिर इसी को सेलेक्ट कीजिए, बड़ा हो बराबर हो अब किसके, 50 के, ठीक है। अब 50 के नीचे कोई ग्रेड नहीं मिलता है, चाहे ओ लेवल हो, ए लेवल हो, बी लेवल हो, सी लेवल हो या ट्रिपल सी हो, कोई भी हो, 50 के ऊपर कोई ग्रेड नहीं मिलता है, ठीक है, 50 के ऊपर फेल, 50 के नीचे फेल होता है, ठीक है, ऊपर नहीं नीचे फेल होता है, ठीक है, 50 तक ग्रेड बनता है, तो लास्ट में कौन सा ग्रेड आता है, डी ग्रेड आता है, ठीक है, तो यहां मैं लिखता हूं डी, ठीक है, और कॉमा, अगर इनमें से कोई भी कंडीशन फॉलो ना करता हो, देखिए जैसे ऊपर मैंने दिया है 85 से ऊपर हो या 85 के बराबर हो तो एस ग्रेड, फिर यहां पर यह कंडीशन दिया गया, तो इनमें से कोई भी कंडीशन ये फॉलो ना करे तो आ जाए कौन सा ग्रेड, फेल ग्रेड, जिसे एफ ग्रेड के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा फॉर्मूला पूरा, ठीक है, एंटर प्रेस करता हूं, तो यहां पर देखिए ग्रेड निकल के आ गया आपका, ये देखिए ये फेल ग्रेड है, क्यों फेल ग्रेड है, क्योंकि 50 से कम है इनका नंबर, इसलिए ये फेल है, ठीक है, समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत हो तो पूछिएगा। अब देखिए इनमें से देखिए, ये भी 50 से कम है तो ये भी फेल, यहां पर भी फेल, यहां पर भी फेल और यहां पर भी फेल, यानी ये तीनों लोग पास हैं, ठीक है, आई होप कि ये बात समझ में आ रही होगी। अब देखते हैं अगला फॉर्मूला जिसे हम काउंट इफ के नाम से जानते हैं, ठीक है, मैं फॉर्मूला बार से फॉर्मूला इंसर्ट करा के आपको दिखाता हूं, यहां पे क्लिक कीजिए और यहां इंसर्ट फंक्शन दिया हुआ है, इस पे क्लिक कीजिए और यहां टाइप कीजिए CountIf, काउंट इफ, एंटर प्रेस करता हूं जैसे ही, तो ये काउंट इफ का बॉक्स खुल के आ जाता है, आपको काउंट इफ ही लगाना है, इफ्स नहीं लगाना है, ठीक है, तो इफ पे क्लिक कीजिए और ओके कर दीजिए, ठीक है, यहां पे ओके करिए, तो ये पूछ रहा है रेंज, तो रेंज हमारी क्या है, यही रेंज है, चलिए लगा लेते हैं, ओके, इसको ऊपर करते हैं, ये नीचे हो गया है, हो गया। क्राइटेरिया क्या देनी है, यहां पर आएंगे और क्राइटेरिया देंगे, क्या देंगे, बड़ी हो, किससे बड़ी हो, क्या देंगे क्राइटेरिया, क्राइटेरिया इसमें ये देना है हमें कि थर्टी थ्री कर देंगे इसको, ठीक है,
यहाँ क्या कर देंगे 33, इंटर प्रेस करें। तो ये देखिए इसमें तीन ऐसे सब्जेक्ट हैं जिनमें ये पास हैं, देखिए गिनिए 1, 2, 3, एक्चुअली 4 सब्जेक्ट हैं लेकिन ये 3 फेल का दे रहा है क्या, 1, 2, 3, 4 है। एक मिनट, यहाँ पे ये चीज़ गड़बड़ हो गई है, देखिए ये चीज़ जो है ना ये उल्टी दिशा में लगानी है आपको, ठीक है। अब एंटर कीजिए, ये 1, 1, 2, 3, 4, एक मिनट रुक जाइए, इज इक्वल, यहाँ से फिर से लगाते हैं, यहाँ पे एफएक्स पे क्लिक करते हैं और ये काउंट इफ इंसर्ट कर लिया हमने, एक मिनट यहाँ से इंसर्ट करते हैं CONTIF काउंट इफ आ गया, ओके प्रेस करते हैं। तो अब देखिए फिर से ये रेंज लेंगे हम, ये वाली रेंज है हमारी, एक भी कम या एक भी ज़्यादा सेलेक्ट होगी तो गड़बड़ हो जाएगा, तो ये बड़ा हो 32 करेंगे, ठीक है 32 से ऊपर होगी तभी तो पास होंगे, ठीक है। इंटर प्रेस करता हूँ तो यहाँ 4 सब्जेक्ट आ गए, यानी 4 सब्जेक्ट में ये पास हैं, और इसको ड्रैग करेंगे तो सबका आ जाएगा कि कितने सब्जेक्ट में कौन कौन पास है, ठीक है। अब इधर आते हैं, ठीक है, इज इक्वल टू, अब इज इक्वल टू करके लगा लेते हैं काउंट इफ, ठीक है। और काउंट इफ लगाने के बाद क्या करना है हमें, यहां से यहां तक सेलेक्ट करिए आप, ठीक है ये सेलेक्ट कर लिया हमने। अब क्या करना है, कॉमा दीजिए, ठीक है, और डबल इंटरेट कॉमा में लिखिए, क्या लिखना है हमको, छोटी हो, किससे 33 से, वो वाली संख्या हमें बता दीजिए जो 33 से छोटी हो, इस रेंज में, देखिए ये जो सेलेक्ट किया है हमने इस रेंज में 32 से छोटी जो है उसको बता दीजिए, ठीक है। इंटर प्रेस करता हूं तो यहां 2 सब्जेक्ट आ गए, ठीक है। अब इसको जब मैं ड्रैग करूंगा नीचे तो सभी सब्जेक्ट्स के नंबर अपने आप आ जाएंगे, आप देख सकते हैं इस तरीके से हम एक्सेल पर कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। उम्मीद है ये बात आपको समझ में आई होगी। अगला जो हम लोग का टॉपिक है, अगला जो फॉर्मूला है वो है वी लुकअप का, ठीक है। तो वी लुकअप का फॉर्मूला भी इसी पर मैं आपको दिखाने वाला हूं, ठीक है। इसी डेटा में मैं आपको वी लुकअप का भी फॉर्मूला लगा करके दिखाता हूं। पहले मैं क्या करता हूं, इसको जरा मैं थोड़ा सा व्यवस्थित करना चाहता हूं, इसको सही से बना लूं मैं, ठीक है। तो इसको यहां से चौड़ा कर लेते हैं, थोड़ा सा इसको यहां से चौड़ा करिए, ठीक है, और इसको मिडिल अलाइन कर लेता हूं मैं, ठीक है, यहां से मिडिल अलाइन कर लीजिए, तो ये मिडिल में अलाइन हो गया। अब हम क्या करेंगे, इसको मैं ब्लैक कलर प्रोवाइड कर देता हूं और इसको वाइट कलर प्रोवाइड कर देता हूं ताकि ये देखने में ठीक ठाक लगे, तो ये हो गया। अब हमें क्या करना है, वी लुकअप का फॉर्मूला सीखना है, तो पहले इसको मैं टेबल वाइज जरा बना दूं उसके बाद, ठीक है। यहां से जाइए और यहां पे बॉर्डर बना दीजिए आप, बस हो गया आपका काम, ठीक है। अब यहां पर हमें, जैसे मान लीजिए यहां पर तो छोटी संख्या है, कितने स्टूडेंट हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 स्टूडेंट हैं, तो खट से आप देख करके बता दीजिएगा कि किसके कितने नंबर हैं। लेकिन बड़ी बड़ी जब संख्याएं होती हैं तो हम ये पता नहीं लगा पाते हैं, दिक्कत होती है हमें, एक एक का देखना पड़े। तो मान लीजिए कि अगर एक क्लास में अगर 300 स्टूडेंट हो तब तो आप एक का नाम खोजते रह जाइएगा, तब तो बड़ी दिक्कत होगी। तो एक फॉर्मूला आप लगाइए, वी लुकअप इज इक्वल टू वी लुकअप लगाइए, ठीक है, वी लुकअप आ गया। अब ये क्या कह रहा है, लुकअप वैल्यू, जैसे मान लीजिए कि कोई भी गार्जियन है, ठीक है, जैसे मान लीजिए आप स्कूल में काम करते हैं या आप कंप्यूटर ऑपरेटर का स्कूल में काम करते हैं, जैसे मान लीजिए कोई भी गार्जियन आएगा तो क्या बोलेगा, मेरे लड़के का नाम है रमेश, रमेश नाम बता दिया उसने, ठीक है, और बोलेगा कि उसका टोटल नंबर बताइए, या फिर वो बोलेगा कि कितने नंबर मार्क्स उसने गेन किए हैं वो बता दीजिए। तो आपको क्या करना है, सिंपली इसको कॉपी करिए, यहाँ पेस्ट करिए और पेस्ट करके यहीं छोड़ दीजिए और इसको थोड़ा बड़ा कर लीजिए, और यहाँ पर क्या करिए, इज इक्वल टू वी लुकअप लगा लीजिए, इज इक्वल टू वी लुकअप आ गया, ठीक है। अब यहाँ क्या करना है, कह रहा है लुकअप वैल्यू, किसको खोजना है, तो रमेश को खोजना है, ठीक है, कॉमा। अब क्या कह रहा है, टेबल एरे, टेबल एरे क्या होता है, यहां से ले करके और यहां तक ये पूरा टेबल एरे के नाम से जाना जाता है, इसको आपको सेलेक्ट करना है, सेलेक्ट हो गया, हो गया ना। अब क्या करना है, ये जो टेबल एरे में आपने सेलेक्ट किया है ना, इतने पार्ट को, ये A1 से लेकर O9 तक,
तो इसको फिक्स करना है। फिक्स कैसे होता है, मैंने आपको सेल रेफरेंस बताया था। सेल रेफरेंस का कॉन्सेप्ट क्या है, तीन प्रकार के सेल रेफरेंस होते हैं एक्सेल में। एक रिलेटिव सेल रेफरेंस जिसमें कुछ भी फिक्स नहीं होता है, एक मिक्स्ड सेल रेफरेंस जिसमें या तो रो या तो कॉलम फिक्स होता है, और एक होता है एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस जिसमें दोनों फिक्स होता है, रो भी फिक्स और कॉलम भी फिक्स। और दोनों को मिलाने से, रो और कॉलम को मिलाने से, तो आप जानते ही हैं क्या बनता है, स्प्रेडशीट बनती है। अब F4 दबा करके, F4 फंक्शन की है वो दबा करके आप इसको फिक्स कर दीजिए। देखिए सबके पहले डॉलर लग चुका है। अब आपको कॉमा देना है और यहाँ लगाना है एक फॉर्मूला मैच, तो यहाँ मैच लगा लीजिए। मैच लगा करके कह रहा है लुकअप वैल्यू किसको खोजना है, तो ऑब्टेंड मार्क्स को खोजना है, कॉमा दीजिए। कहाँ, अब ये क्या कह रहा है, लुकअप एरे कहाँ मिलेगा ऑब्टेंड मार्क्स, तो ये देखिए इसी टाइटल में कहीं ऑब्टेंड मार्क्स हमें मिलेगा। ओके ना एक भी कम ना एक भी ज्यादा, ठीक है, यहां तक सेलेक्ट हो गया। अब इसको भी आपको फिक्स करना है, तो F4 दबा दीजिए, फिक्स हो जाएगा ये भी। तो देखिए ये पूरा फिक्स नहीं हुआ है, गड़बड़ हो जाएगी, ठीक है। तो यहां से पकड़िए और शिफ्ट दबा करके और ये इधर कर लीजिए, ये पूरा सेलेक्ट हो जाएगा। ये गड़बड़ हो रही है थोड़ी सी, सेलेक्ट करिए इसको आराम से, वेरी गुड, यहाँ तक बस। अब F4 दबा के फिक्स कीजिए, ये सब फिक्स हो गया आप देख सकते हैं, ठीक है। कॉमा दीजिए, कॉमा देने के बाद यहाँ पे मैच टाइप दे रहा है, ठीक है, यहाँ पे क्या दे रहा है, मैच टाइप। तो हम यहाँ जीरो लिखेंगे क्योंकि एग्जैक्ट मैच, ये देखिए आ रहा है एग्जैक्ट मैच, माने इनमें से जो नाम लिखा हुआ है, जो नंबर लिखा हुआ है, एग्जैक्ट माने होता है बिल्कुल वही जो आप खोज रहे हैं, ठीक है। तो एग्जैक्ट माने जीरो, यहां देखिए एग्जैक्ट के लिए क्या दिया हुआ है, जीरो, तो हमको यहां जीरो लिखना है। मैं ऑलरेडी जीरो लिख चुका हूं, तो इस ब्रैकेट को बंद करता हूं और वी लुकअप के छूटे हुए फॉर्मूले को पूरे करने के लिए यहां देखिए एग्जैक्ट मैच दे रहा है, ठीक है। तो अगर यहां भी एग्जैक्ट मैच अगर आपको लेना है तो जीरो ही लिखना होगा, तो जीरो लिख दीजिए और इसको बंद कीजिए। और जैसे ही आप एंटर करिएगा तो यहां देखिए रमेश के कुल मिला के 290 नंबर आए हैं। चलिए देखते हैं सच्चाई क्या है, ये रमेश हैं, देखिए 290 नंबर हैं क्या टोटल यहां पे, ये ऑब्टेन मार्क्स 290 हैं कि नहीं। ओके चलिए आइए समझते हैं, ये रमेश जो है इस नाम को अगर हम चेंज कर दे तो क्या होगा। यहां लिखता हूं ए एम, देखिए जिस लेटर में लिखा हुआ है उसी लेटर में अंबिका ये लिख दिया हमने। अब एंटर करूं, ये देखिए 250 नंबर, अंबिका के कितने मार्क्स आए हैं देखिए, ये देखिए 250 मार्क्स आए हैं, ठीक है। अच्छा अच्छा, ऑप्टेंड मार्क्स हमें नहीं देखने हैं, मान लीजिए गार्जियन ये कहे कि हमें ड्राइंग के मार्क्स देखने हैं या मैथ्स के लिए, बहुत ज्यादा उत्सुक होते हैं लोग, तो हमें मैथ का मार्क देखना है, तो MATH यहाँ टाइप कर दीजिए, आपका काम खत्म है, ठीक है। अंबिका के मैथ्स के मार्क आ चुके हैं, देखिए मैथ्स में इन्होंने 77 नंबर गेन किए हैं, देख लीजिए आप अंबिका ये है, मैथ्स में कितने नंबर हैं 77, तो बहुत काम का फॉर्मूला है कि नहीं, बहुत काम का फॉर्मूला है, इसको जरूर सीखिए आप। और उम्मीद करता हूं ये पूरा का पूरा वीडियो आपको जरूर समझ में आया होगा, अगर अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करें चैनल को। और
हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, माय नेम इज़ सूरज कुमार तिवारी एंड यू आर वाचिंग कंप्यूटर एंड एक्सेल सॉल्यूशन चैनल। फ्रेंड्स, आज हम यहां पर कई फॉर्मूले एक साथ लगाने के बारे में सीखेंगे और साथ ही साथ राइट, लेफ्ट, लेन, मिड, वी लुकअप, एच लुकअप, मॉड और सम इफ, ठीक है, ये सारे फॉर्मूले सीखेंगे। और इन सारे फंक्शंस जो होम टैब में आपको दिख रहे हैं, एक एक करके सारे फंक्शंस के बारे में जानेंगे। थोड़ा सा वीडियो लंबा होगा लेकिन यकीन कीजिए इस टैब में आपको कुछ भी समझना बाकी नहीं रह जाएगा और एक्सेल से आने वाले लगभग 5-7-8 क्वेश्चन आपको इससे मिल जाएंगे, उम्मीद करता हूँ, आई होप। तो चलिए स्टार्ट किया जाए इस वीडियो को। सबसे पहले हमें डेटा लेके आना है, तो डेटा कैसे लाएंगे, जैसे मैं यहाँ डेटा लेके आता हूँ, नेम ऑफ स्टूडेंट, ठीक है, मैं यहाँ डेटा टाइप कर रहा हूँ, आप ध्यान से देखते रहिए, आपको सिर्फ देखना है। अब इसको रिसाइज करना है तो यहाँ पर रखिए कर्सर, अल्ट एच वाई दबा दीजिए, और नहीं तो यहाँ से खींच करके भी आप रिसाइज कर सकते हैं, मैं पहले भी बता चुका हूँ। और यहाँ पर कुछ सब्जेक्ट्स के नाम होंगे, जैसे मैं लिखता हूँ हिंदी, फिर यहाँ लिखता हूँ इंग्लिश, फिर यहाँ लिखता हूँ मैथ, एम ए टी एच, ठीक है, और यहाँ लिखता हूँ साइंस, यहां लिखता हूं सोशल साइंस यानी एसएसटी कर देता हूं, यहां लिखता हूं ड्राइंग। तो ये हमारे पास अभी कितने सब्जेक्ट हो गए, 6 सब्जेक्ट हो गए। और इनका जो ऑप्टेंड होगा यानी टोटल होगा, ठीक है, ऑप्टेंड बोलते हैं प्राप्त किया को, ठीक है, ऑप्टेंड मार्क्स मैं लिखता हूं एम ए आर के एस, ठीक है। अब देखिए मैं यहां से रिसाइज करके आपको दिखाता हूं, ये पकड़ेंगे यहां पे, यहां पे जब प्लस टाइप का साइन बनेगा और दो एरो वाले ये जो साइन बने हुए हैं वैसे साइन बनेंगे, तो यहां से पकड़िएगा। अब यहां देखिए जैसे ही मैं यहां क्लिक करता हूं तो यहां पे क्या आ रहा है, विथ 8.43, यानी ये क्वेश्चन भी बराबर अराइज होता है, ठीक है। अगर आप एक्सेल से संबंधित कोई भी इंटरव्यू या टेस्ट देने जाते हैं तो कॉलम्स की चौड़ाई के बारे में पूछा जाता है, बाय डिफॉल्ट कितनी चौड़ाई होती है, तो कितनी दिख रही है, 8.43, ओके, वेरी गुड, तो 8.43 दिख रही है, तो बाय डिफॉल्ट कितनी होती है चौड़ाई, 8.43, तो ये याद रखिएगा, ठीक है। अब इसको चौड़ा कर लेते हैं हम, और यहां पर आएंगे तो यहां पर हम करेंगे टोटल, टोटल यानी कितने नंबर का ये टेस्ट था, ठीक है, यहां पर निकालेंगे मैक्सिमम, ठीक है, यहां पर निकालेंगे मिनिमम। अब एक चीज और ध्यान दीजिए, जैसे यहां एम आई एन मैंने लिखा और एंटर प्रेस करता हूं तो ये जो है किधर की तरफ गया हुआ है, किधर की तरफ अलाइन है, जैसे यहां पर मैंने मैक्सिमम मिनिमम और यहां पे मैं कर देता हूं एवरेज, तो ए मैंने लिखा और एंटर करता हूं तो किधर, ये ए किधर है, किस साइड है, कौन सी साइड है, दाहिने है, बाएं है, लेफ्ट है, राइट है, अप है, डाउन है, किधर है, लेफ्ट में है, बहुत सही। तो ये टेक्स्ट हमेशा किधर अलाइन होता है, लेफ्ट में, लेफ्ट में अलाइन होता है, ये लेफ्ट है, लेफ्ट माने बायां, ठीक है, तो बायां अलाइन होता है, यहां मैं लिखता हूं एवरेज, ठीक है, तो ये एवरेज हो गया। इसके बाद यहां हम ग्रेड निकालेंगे, ठीक है, यहां निकालेंगे हम पास्ड इन सब्जेक्ट और फेल्ड इन सब्जेक्ट, पास्ड इन सब्जेक्ट एस यू बी जे ई सी टी, पास्ड इन सब्जेक्ट पी ए डबल एस होता है, यहां पे सही कर लेते हैं, ठीक है, तो पास्ड इन सब्जेक्ट। अब इसको रिसाइज मैं शॉर्टकट की के थ्रू कर रहा हूं, क्या दबाना है हमें, पहले अल्ट दबाइए, फिर एच दबाइए, फिर ओ दबाइए, फिर आई दबाइए, और ये हो गया रिसाइज। अब यहां पे करता हूं मैं फेल्ड इन सब्जेक्ट, एफ ए आई एल ई डी, फेल्ड इन सब्जेक्ट एस यू बी जे ई सी टी, देखिए ध्यान से, ठीक है, तो ये फेल्ड इन सब्जेक्ट हो गया। अब इसको भी अल्ट एच ओ आई करके रिसाइज कर देता हूं तो ये भी रिसाइज हो गया, ठीक है। अब एक एक करके सबको समझेंगे हम, ठीक है, चलिए सबसे पहले ये समझते हैं कि एक्सेल में जो हाईएस्ट जूमिंग परसेंटेज होती है वो कितनी होती है। देखिए यहां पे मैं जूम कर रहा हूं, देखिए 400 होती है जूमिंग की परसेंटेज, हाईएस्ट जूमिंग जो होती है, ठीक है, ये हाईएस्ट जूमिंग कितनी होती है, 400%। इसको क्या बोलते हैं, ये जो यहां पे बना हुआ है ये 400% लिखा हुआ और ये जो पट्टी सी बनी हुई आपको दिख रही होगी, ये इस पट्टी को क्या बोलते हैं हम, इसको क्या बोलते हैं हम, इसको बोलते हैं स्टेटस बार, क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, स्टेटस बार, ठीक है। तो अब यहां पर आते हैं, इसको सही कर लेते हैं हम थोड़ा, ठीक है,
तो ये दिख रहा होगा आपको। अब हम इधर आते हैं और इसमें हम डेटा डालेंगे, ठीक है। डेटा डालने के पहले यहाँ कुछ हम नेम एंट्री करा लेते हैं, जैसे यहाँ लिख दिया मैंने अंबिका राम, यहाँ लिख दिया श्याम सौरभ, ठीक है, रमेश रानी सुनीति सुनिधि कर दिया यहाँ पे, इतने हमने डेटा ले लिए हैं, ठीक है। और देखिए ये अपने आप जो है किधर की तरफ अलाइन हो रहा है, किधर की तरफ अलाइन हो रहा है, लेफ्ट की तरफ। तो टेक्स्ट हमेशा किधर अलाइन होता है, लेफ्ट में, ठीक है। अच्छा, हम चाहते हैं कि ये नाम की जगह हम कोई और नाम लेके आए। चलिए यहां पर भी मैं लिखता हूं अंबिका, अंबिका, ठीक है, ये लिख दिया हमने अंबिका। अब हम चाहते हैं कि ये देखिए ये दो बार अंबिका अंबिका आया है, तो हम इसको रिप्लेस करना चाहते हैं। कैसे रिप्लेस करना चाहते हैं, किसी दूसरे नाम से रिप्लेस करना चाहते हैं। तो क्वेश्चन ये अराइज होता है एक्सेल में कि रिप्लेस की शॉर्टकट की क्या होती है, रिप्लेस की शॉर्टकट की क्या होती है। तो क्या होती है, कंट्रोल के साथ आप एच दबाइए और रिप्लेस वाला बॉक्स खुल जाता है। इसके साथ साथ ये फाइंड वाला भी दिखाई पड़ता है, लेकिन हमें रिप्लेस करना है। क्या रिप्लेस करना है, यहां लिखा हुआ है फाइंड व्हाट, ठीक है। आप किसको खोजना चाहते हैं, तो मैं लिखना चाहता हूं यहां ए एम बी आई के ए, अंबिका को रिप्लेस करना है हमें। और यहां रिप्लेस विथ दिया हुआ है, तो रिप्लेस विथ में हम डाल देंगे इसके जगह पर हम क्या नाम देना चाहते हैं, ठीक है। ये ध्यान दीजिएगा कि हमें एक ही बार अंबिका के नाम को रिप्लेस करना है, दोनों बार नहीं करना है। यहां पर दो बार अंबिका आया हुआ है, यहां पर देखिए एक बार और ये दो बार, हमें सिर्फ एक ही बार अंबिका के नाम को रिप्लेस करना है। और हमने क्या दबाया, तो ये डायलॉग बॉक्स खुल के आया, कंट्रोल के साथ एच दबाया था, ठीक है। तो कंट्रोल के साथ एच दबाया तो खुल के आया। अंबिका को कैसे रिप्लेस करना है, अंबिका को रिप्लेस करना है, जैसे मान लीजिए मैं यहां लिख देता हूं सागरिका, ओके, नेम इज राइट सागरिका, यहां लिखता हूं साग जी आर आई के, ठीक है, ये लिख दिया हमने। और हमें रिप्लेस ऑल पे क्लिक नहीं करना, देखिए ये पार्ट पूरा सिलेक्टेड है, आप इस चीज को ध्यान दीजिएगा, इतना पार्ट सिलेक्टेड है और हम रिप्लेस ऑप्शन के बारे में सीख रहे हैं, ठीक है। तो यहां पर हमने अंबिका को रिप्लेस किया है सागरिका से, और मैं सिर्फ एक बार रिप्लेस कर रहा हूं, रिप्लेस ऑल नहीं कर रहा हूं, रिप्लेस कर रहा हूं सिर्फ, ठीक है। अगर मैं फाइंड नेक्स्ट करता हूं तो क्या होगा, कुछ नहीं, अभी हमको सिर्फ रिप्लेस सीखना है, तो रिप्लेस सीखते हैं। तो एक बार रिप्लेस हो जाएगा, देखिए अंबिका के जगह सागरिका आ गया। अब हम इसको क्लोज करते हैं, यानी एक बात तो आपको पता चल गई कि रिप्लेस की शॉर्टकट की क्या होती है, ठीक है। दूसरी चीज आपने ये सीख लिया कि डेटा एंटर करते हैं एक्सेल में, तो एक्सेल देखिए बना किससे होता है, रो और कॉलम से। ये जो 1 2 3 4 5 6 ये सब जो लिखा हुआ दिख रहा है आपको, ये रो है, और ये क्या है ए बी सी डी, ये कॉलम है। तो रो और कॉलम को मिलाने से क्या बनता है, स्प्रेडशीट बनती है, ठीक है। अब इसमें हमें डेटा लेके आना है, तो क्या करेंगे, या तो आप एक एक करके लिखिए, मेरे पास एक तरीका है, मैं यहाँ पे सिखाना है आपको, तो मैं यहाँ पे डेटा लेके आ जाता हूँ, रेंड बिटवीन का फॉर्मूला लगाता हूँ और यहाँ लिखता हूँ 3, कह रहा है कि बॉटम, बॉटम माने होता है नीचे वाला, सबसे नीचे वाला बच्चा जो नंबर पाएगा 3 नंबर पाएगा, और सबसे जो ज्यादा नंबर पाएगा वो 90 पाएगा। एंटर करता हूँ तो यहाँ एक नंबर दोनों के बीच का आ जाएगा। अब इसको आप ड्रैग कर लीजिए और ड्रैग करके इसको नीचे तक ड्रैग कर दीजिए ताकि सबके नंबर आ गए। अब देखिए यहाँ पर सबके नंबर तो आ गए हैं, लेकिन जैसे ही मैं इसको इक्वल टू यानी जोड़ने की कोशिश करूंगा, यहाँ जोड़ने का फॉर्मूला भी बता रहा हूँ, सम होता है SUM, ठीक है, सम लगा दिया हमने। और यहाँ से यहाँ तक ड्रैग कर दीजिए, देखिए यहाँ से यहाँ तक या तो ड्रैग कर लीजिए एक लाइन, जैसे सागरिका का ये नंबर है, यहाँ से देखिए यहाँ तक आइए, ये देखिए सागरिका का नंबर है। तो हिंदी इंग्लिश मैथ साइंस SST ड्राइंग इन सबको जोड़िएगा तभी तो इनका टोटल आएगा। तो यहाँ पर देखिए ऐसे कर सकते हैं आप, और नहीं तो दूसरा तरीका क्या है, दूसरा तरीका भी बड़ा इजी है। ये देखिए ये बी है और यहाँ 2 रो है, बी कॉलम है और 2 रो है, यानी ये 28 कहाँ पर है, B2 में, ठीक है, कहाँ पे है। अब देखिए जैसे ही मैं क्लिक करता हूँ तो अपने आप यहाँ B2 आ जाएगा, तो यानी ये B2 में है। तो या तो आप B2 लिख दीजिए हाथ से, मैं यहाँ हाथ से भी लिख सकता हूँ, कोई जरूरत नहीं कि ऐसे ही, यहाँ B2 लिख दिया मैंने। और कोलन लगाना है, कोलन शिफ्ट के साथ L के जस्ट बाद वाला बटन दबाइएगा शिफ्ट के साथ, तो कोलन लग जाता है, ठीक है। अब कोलन लगाने के बाद हमको कहां तक जाना है, G
G2, तो यहां लिखिए G2, ठीक है, और G2 लिखने के बाद इसको बंद कीजिए और एंटर प्रेस कीजिए। जैसे एंटर प्रेस कीजिएगा ये ऑब्टेंड मार्क्स आ जाएगा, ठीक है। और लेकिन एक चीज ध्यान दीजिए, अब इसको मैं ड्रैग करता हूँ, कंट्रोल डी दबाना है आपको, कंट्रोल डी, तो ये सब आ गया, लेकिन बार बार ये नंबर्स चेंज हो रहे हैं, आपने केयर किया होगा, ये नंबर्स बार बार चेंज होते हुए नजर आ रहे हैं। तो हम क्या ऐसा करें कि ये नंबर चेंज ना हो, हमें क्या करना है, चूंकि हमने फॉर्मूला लगा करके इन सारे नंबर्स को इंसर्ट किया है, तो हमें इन सारे पार्ट्स को सेलेक्ट करना होगा। यहां तक हमने नंबर इंसर्ट किया, ये तो हमने बाद में जोड़ा है इसको, तो इस पर आप राइट क्लिक कीजिए, राइट क्लिक मैंने कर दिया, ठीक है, और कॉपी कर लीजिए, इसको कॉपी करिए, फिर राइट क्लिक कीजिए, तो यहां पेस्ट स्पेशल का, यहां पर ये पेस्ट स्पेशल आ नहीं रहा था, इसके पहले मैं दिखाता हूं, देखिए ये क्या था, इतना पार्ट, इतना पार्ट जो है मैंने सेलेक्ट किया है, अभी देखिए राइट क्लिक करता हूं तो ये पेस्ट स्पेशल हाईलाइट नहीं है, मैं इसको कॉपी करूंगा, कॉपी करने के बाद फिर पेस्ट स्पेशल हाईलाइट हो गया, जैसे मैंने कॉपी किया तभी ये पेस्ट स्पेशल हाईलाइट होता है। क्लिक करिए इस पे और इसको बना दीजिए, इस पे वैल्यू पे क्लिक कर दीजिए, और जैसे वैल्यू पे क्लिक करिएगा तो यहां पर हो जाएगा, ओके करिए, और यहां पर अब देखिए अब ये चेंज नहीं होगा। एक चीज और ध्यान दीजिए कि नंबर हमेशा किधर की तरफ अलाइन होता है, राइट की तरफ अलाइन होता है, ओके, तो राइट में है ये, देखिए ये दाहिना है, और इधर यानी इधर की तरफ जो अक्षर लिखे जाते हैं वो लेफ्ट हैं, ठीक है, तो ये टेक्स्ट हमेशा लेफ्ट अलाइन होगा और नंबर हमेशा राइट अलाइन होगा, ये भी क्वेश्चन अराइज होता है, ठीक है। अब यहाँ टोटल करते हैं, तो टोटल मार्क्स कितने हैं, 100 आउट ऑफ, ठीक है, ये टोटल मार्क्स कितने हैं, 100 नहीं है, कितने हैं, 500, कितने सब्जेक्ट हैं, गिनिए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो 600 होगा, तो यहाँ इज इक्वल टू के साथ मैं 600 लिखता हूँ। इज इक्वल टू के साथ क्यों लिख रहा हूँ, क्योंकि अगर मैं डायरेक्टली यहाँ 600 लिखता हूँ तो भी यहाँ आ तो जाएगा, लेकिन ठीक है आ गया है, ऐसे भी आ सकता है, ठीक है, लेकिन हम चाहते थे कि इक्वल टू के साथ फॉर्मूला स्टार्ट होता है, तो फॉर्मूले टाइप का हम लिखें, चलिए कोई बात नहीं, ऐसे ही लिख लेते हैं, और यहाँ इक्वल टू मैक्स का फॉर्मूला लगाएंगे। अब चूंकि हमें क्या निकालना है, मैक्सिमम मार्क्स निकालने हैं, क्या निकालना है, मैक्सिमम मार्क्स, किस सब्जेक्ट में सबसे ज़्यादा नंबर है, ठीक है, तो यहाँ पर मैक्स लगाइए, ठीक है, और क्या करेंगे, यहाँ से यहाँ तक आप सेलेक्ट कर लीजिए, ड्राइंग तक, ठीक है, या तो सेलेक्ट कर लीजिए, ठीक है। अब मैं एक दूसरा तरीका आपको दिखाता हूँ, फॉर्मूला यहाँ एफएक्स लिखा हुआ है, इस पर क्लिक कर दीजिए आप, जैसे क्लिक करिएगा तो हमें कौन सा फॉर्मूला चाहिए, आइए देखते हैं, यहाँ मैक्स का फॉर्मूला चाहिए हमें, तो यहाँ पे लिखिए MAX मैक्स और इंटर प्रेस कर दीजिए, तो देखिए यहाँ मैक्स आ गया है। अब ओके प्रेस कीजिए, ओके जैसे ही प्रेस कीजिएगा तो यहाँ पर जो भी लिखा होगा उसको हटा दीजिएगा। अब हमें क्या करना है, यही सेलेक्ट करना है, यहाँ से सेलेक्ट करना शुरू कीजिए और सेलेक्ट करते करते यहां तक आ जाइए। आप चाहे तो हाथ से भी लिख सकते हैं इस कॉलम के अंदर, ठीक है, इस फॉर्मूले के अंदर इसको हाथ से भी लिखा जा सकता है। ओके प्रेस कीजिए, तो देखिए सबसे हाईएस्ट जो है सागरिका के 72 नंबर हैं, किस सब्जेक्ट में, हिंदी में, तो ये आ गया। अब हमको बार बार निकालने की जरूरत नहीं, इसको ड्रैग कर दीजिए नीचे तक तो सबका आ जाएगा। तो ये हो गया मैक्स का फॉर्मूला, उम्मीद है समझ में आया होगा। अब मिनिमम का फॉर्मूला देखते हैं, इक्वल टू के साथ मिन लगा दीजिए, और नहीं तो एफएक्स पे क्लिक करके भी आप फॉर्मूले को इंसर्ट करा सकते हो। इसके बाद इसको सेलेक्ट कीजिए यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है। तो अब क्या करना है, इसको यहाँ से बंद कर दीजिए, ठीक है, और इंटर जैसे ही प्रेस कीजिएगा तो ये मिनिमम आ गया, ठीक है। अब इसको ड्रैग कर दीजिए नीचे तक तो ये मिनिमम भी आ गया, ठीक है। एवरेज कैसे निकालेंगे, AVERAGE, तो एवरेज, इसमें देखिए कई फॉर्मूले आ रहे हैं, तो गलती से एवरेज ए या एवरेज इफ या एवरेज इफ्स पे क्लिक कर दीजिएगा तो आएगा नहीं एवरेज, तो आपको एवरेज ही रखना है, तो एवरेज रख दीजिए। अब क्या करना है, एवरेज कैसे निकलेगा, इन सारे सब्जेक्ट को सेलेक्ट कर लीजिए, ओके, तो ये आ गया, और इंटर प्रेस करिए बंद करके ब्रैकेट को, तो ये एवरेज आ गया, ठीक है। अब इसको ड्रैग कर दीजिए नीचे, इसको ड्रैग करना बोलते हैं, ठीक है। अब ग्रेड निकालना है, ग्रेड निकालना बहुत ही आसान है, इफ से शुरुआत करनी है हमको, इफ का फॉर्मूला लगाना है, इफ फॉर्मूले से ग्रेड निकल सकता है, हालांकि वी लुकअप फॉर्मूले का यूज करके भी आप ग्रेड निकाल सकते हो, लेकिन अभी हम क्या सीखेंगे, इफ फॉर्मूले से ग्रेड निकालना ही सीखेंगे, ठीक है। कैसे निकालेंगे ग्रेड, हम कहेंगे कि अगर ये जो एवरेज है ना, एवरेज के बिना ग्रेड निकालना मुश्किल है, तो एवरेज जो है इसको सेलेक्ट कर लीजिए, पहला वाला एवरेज, क्योंकि नीचे हम ड्रैग करेंगे
तो फॉर्मूला नीचे भी अप्लाई होता जाएगा, ठीक है। तो अब कहिए अगर ये वैल्यू बड़ी हो या बराबर हो 85 के, ठीक है, कॉमा, देखिए ये जो मुंह खुला होता है ये बड़े का संकेत होता है, ठीक है, और बराबर भी मैंने लगाया है, बड़ा और बराबर दोनों लगाया है। तो बड़ी हो या बराबर हो 85 के, तो कौन सा ग्रेड होगा, सबसे बड़ा ग्रेड होता है एस ग्रेड, तो एस ग्रेड लगा दिया हमने। फिर इफ लगाया हमने, फिर इसी एवरेज को सेलेक्ट कीजिए बार बार, बड़ी हो बराबर हो, अब चूंकि 85 तक हमने कर दिया है, अब 75 पे आएंगे, कॉमा, अगर 75 तक नंबर होगा तो कौन सा ग्रेड होगा, ए ग्रेड होगा, ठीक है। 75 हो, 85 से कम हो ले, और 75 तक हो, 75 से कम ना हो, 75 तक हो, इसके बीच का होगा तो ए ग्रेड आएगा, कॉमा दीजिए, इफ लगाइए फिर से। अब कौन, फिर इसको सेलेक्ट कीजिए, अब फिर हमको बड़ा हो बराबर हो, अब 65 पर करते हैं, 65, यानी यहां पर लिखी हुई वैल्यू जो एवरेज में आई है वो बड़ी हो या बराबर हो किसके, 75 के, सॉरी 65 के, ठीक है। अगर 65 से बड़ी हो या बराबर हो तो कौन सा ग्रेड आएगा, सी ग्रेड आएगा, सॉरी बी ग्रेड आएगा, ठीक है, बी ग्रेड आएगा, यहां हमने बी दे दिया, ठीक है, कैपिटल देते हैं, यहां लिखते हैं बी, ठीक है, तो ये बी ग्रेड हो गया, कॉमा देंगे और फिर इफ लगाएंगे, ठीक है। अब देखिए इफ के अंदर, इफ जब लगता है एक फॉर्मूले के अंदर, वही फॉर्मूला जब लगाया जाता है तो उसे नेस्टेड कहते हैं, क्या कहते हैं। अब ये भी क्वेश्चन बार बार अराइज किया जाता है, खासतौर पे ओ लेवल में या ट्रिपल सी में, जब आईटी टूल्स का आप जब एग्जाम देते हो ओ लेवल में या ट्रिपल सी का पेपर भी देते हो, तो ये क्वेश्चन बराबर अराइज कर लिया जाता है कि क्या होगा, इसे क्या कहते हैं, फॉर्मूले के अंदर फॉर्मूला लगाने को क्या कहते हैं। तो आपको पता होगा तो झट से जवाब दे दोगे, तो फॉर्मूले के अंदर फॉर्मूला लगाना क्या कहलाता है, नेस्टेड, ठीक है, क्या कहते हैं, नेस्टेड कहते हैं। अब देखिए, अब फिर वही, इसको सेलेक्ट कीजिए, बड़ा हो बराबर हो 55 के, कॉमा, सी ग्रेड, ठीक है, कॉमा, इफ, फिर इफ लगाइए और फिर इसी को सेलेक्ट कीजिए, बड़ा हो बराबर हो अब किसके, 50 के, ठीक है। अब 50 के नीचे कोई ग्रेड नहीं मिलता है, चाहे ओ लेवल हो, ए लेवल हो, बी लेवल हो, सी लेवल हो या ट्रिपल सी हो, कोई भी हो, 50 के ऊपर कोई ग्रेड नहीं मिलता है, ठीक है, 50 के ऊपर फेल, 50 के नीचे फेल होता है, ठीक है, ऊपर नहीं नीचे फेल होता है, ठीक है, 50 तक ग्रेड बनता है, तो लास्ट में कौन सा ग्रेड आता है, डी ग्रेड आता है, ठीक है, तो यहां मैं लिखता हूं डी, ठीक है, कॉमा, अगर इनमें से कोई भी कंडीशन फॉलो ना करता हो, देखिए जैसे ऊपर मैंने दिया है 85 से ऊपर हो या 85 के बराबर हो तो एस ग्रेड, फिर यहां पर यह कंडीशन दिया गया, तो इनमें से कोई भी कंडीशन ये फॉलो ना करे तो आ जाए कौन सा ग्रेड, फेल ग्रेड, जिसे एफ ग्रेड के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा फॉर्मूला पूरा, ठीक है, एंटर प्रेस करता हूं, तो यहां पर देखिए ग्रेड निकल के आ गया आपका, ये देखिए ये फेल ग्रेड है, क्यों फेल ग्रेड है, क्योंकि 50 से कम है इनका नंबर, इसलिए ये फेल है, ठीक है, समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत हो तो पूछिएगा। अब देखिए इनमें से देखिए ये भी 50 से कम है तो ये भी फेल, यहां पर भी फेल, यहां पर भी फेल और यहां पर भी फेल, यानी ये तीनों लोग पास हैं, ठीक है, आई होप कि ये बात समझ में आ रही होगी। अब देखते हैं अगला फॉर्मूला जिसे हम काउंट इफ के नाम से जानते हैं, ठीक है, मैं फॉर्मूला बार से फॉर्मूला इंसर्ट करा के आपको दिखाता हूं, यहां पे क्लिक कीजिए और यहां इंसर्ट फंक्शन दिया हुआ है, इस पे क्लिक कीजिए और यहां टाइप कीजिए CONTIF, काउंट इफ, एंटर प्रेस करता हूं जैसे ही तो ये काउंट इफ का बॉक्स खुल के आ जाता है, आपको काउंट इफ ही लगाना है, इफ्स नहीं लगाना है, ठीक है, तो इफ पे क्लिक कीजिए और ओके कर दीजिए, ठीक है, यहां पे ओके करिए। तो ये पूछ रहा है रेंज, तो रेंज हमारी क्या है, यही रेंज है, चलिए लगा लेते हैं, ओके, इसको ऊपर करते हैं, ये नीचे हो गया है, हो गया। क्राइटेरिया क्या देनी है, यहां पर आएंगे और क्राइटेरिया देंगे, क्या देंगे, बड़ी हो, किससे बड़ी हो, क्या देंगे क्राइटेरिया, क्राइटेरिया इसमें ये देना है हमें कि थर्टी थ्री कर देंगे इसको, ठीक है,
यहाँ क्या कर देंगे 33, इंटर प्रेस करें। तो ये देखिए इसमें तीन ऐसे सब्जेक्ट हैं जिनमें ये पास हैं, देखिए गिनिए 1 2 3, एक्चुअली 4 सब्जेक्ट हैं लेकिन ये 3 फेल का दे रहा है क्या, 1 2 3 4 है। एक मिनट, यहाँ पे ये चीज़ गड़बड़ हो गई है, देखिए ये चीज़ जो है ना ये उल्टी दिशा में लगानी है आपको, ठीक है। अब एंटर कीजिए, ये 1 1 2 3 4, एक मिनट रुक जाइए, इज इक्वल यहाँ से फिर से लगाते हैं, यहाँ पे एफ एक्स पे क्लिक करते हैं और ये काउंट इफ इंसर्ट कर लिया हमने, एक मिनट यहाँ से इंसर्ट करते हैं सी ओ यू एन टी आई एफ काउंट इफ आ गया, ओके प्रेस करते हैं। तो अब देखिए फिर से ये रेंज लेंगे हम, ये वाली रेंज है हमारी, एक भी कम या एक भी ज़्यादा सेलेक्ट होगी तो गड़बड़ हो जाएगा, तो ये बड़ा हो 32 करेंगे, ठीक है 32 से ऊपर होगी तभी तो पास होंगे, ठीक है। इंटर प्रेस करता हूँ तो यहाँ 4 सब्जेक्ट आ गए, यानी 4 सब्जेक्ट में ये पास हैं, और इसको ड्रैग करेंगे तो सबका आ जाएगा कि कितने सब्जेक्ट में कौन कौन पास है, ठीक है। अब इधर आते हैं, ठीक है, इज इक्वल टू, अब इज इक्वल टू करके लगा लेते हैं काउंट इफ, ठीक है, और काउंट इफ लगाने के बाद क्या करना है हमें, यहां से यहां तक सेलेक्ट करिए आप, ठीक है, ये सेलेक्ट कर लिया हमने। अब क्या करना है, कॉमा दीजिए, ठीक है, और डबल इंटरेट कॉमा में लिखिए, क्या लिखना है हमको, छोटी हो, किससे 33 से, वो वाली संख्या हमें बता दीजिए जो 33 से छोटी हो, इस रेंज में, देखिए ये जो सेलेक्ट किया है हमने इस रेंज में 32 से छोटी जो है उसको बता दीजिए, ठीक है। एंटर प्रेस करता हूं तो यहां 2 सब्जेक्ट आ गए, ठीक है। अब इसको जब मैं ड्रैग करूंगा नीचे तो सभी सब्जेक्ट्स के नंबर अपने आप आ जाएंगे, आप देख सकते हैं इस तरीके से हम एक्सेल पर कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। उम्मीद है ये बात आपको समझ में आई होगी। अगला जो हम लोग का टॉपिक है, अगला जो फॉर्मूला है वो है वी लुकअप का, ठीक है। तो वी लुकअप का फॉर्मूला भी इसी पर मैं आपको दिखाने वाला हूं, ठीक है। इसी डेटा में मैं आपको वी लुकअप का भी फॉर्मूला लगा करके दिखाता हूं। पहले मैं क्या करता हूं, इसको जरा मैं थोड़ा सा व्यवस्थित करना चाहता हूं, इसको सही से बना लूं मैं, ठीक है। तो इसको यहां से चौड़ा कर लेते हैं, थोड़ा सा इसको यहां से चौड़ा करिए, ठीक है, और इसको मिडिल अलाइन कर लेता हूं मैं, ठीक है, यहां से मिडिल अलाइन कर लीजिए, तो ये मिडिल में अलाइन हो गया। अब हम क्या करेंगे, इसको मैं ब्लैक कलर प्रोवाइड कर देता हूं और इसको वाइट कलर प्रोवाइड कर देता हूं ताकि ये देखने में ठीक ठाक लगे, तो ये हो गया। अब हमें क्या करना है, वी लुकअप का फॉर्मूला सीखना है, तो पहले इसको मैं टेबल वाइज जरा बना दूं उसके बाद, ठीक है। यहां से जाइए और यहां पे बॉर्डर बना दीजिए आप, बस हो गया आपका काम, ठीक है। अब यहां पर हमें, जैसे मान लीजिए यहां पर तो छोटी संख्या है, कितने स्टूडेंट हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 स्टूडेंट हैं, तो खट से आप देख करके बता दीजिएगा कि किसके कितने नंबर हैं। लेकिन बड़ी बड़ी जब संख्याएं होती हैं तो हम ये पता नहीं लगा पाते हैं, दिक्कत होती है हमें, एक एक का देखना पड़े। तो मान लीजिए कि अगर एक क्लास में अगर 300 स्टूडेंट हो तब तो आप एक का नाम खोजते रह जाइएगा, तब तो बड़ी दिक्कत होगी। तो एक फॉर्मूला आप लगाइए, वी लुकअप इज इक्वल टू वी लुकअप लगाइए, ठीक है, वी लुकअप आ गया। अब ये क्या कह रहा है, लुकअप वैल्यू, जैसे मान लीजिए कि कोई भी गार्जियन है, ठीक है, जैसे मान लीजिए आप स्कूल में काम करते हैं या आप कंप्यूटर ऑपरेटर का स्कूल में काम करते हैं, जैसे मान लीजिए कोई भी गार्जियन आएगा तो क्या बोलेगा, मेरे लड़के का नाम है रमेश, रमेश नाम बता दिया उसने, ठीक है, और बोलेगा कि उसका टोटल नंबर बताइए, या फिर वो बोलेगा कि कितने नंबर मार्क्स उसने गेन किए हैं वो बता दीजिए। तो आपको क्या करना है, सिंपली इसको कॉपी करिए, यहाँ पेस्ट करिए और पेस्ट करके यहीं छोड़ दीजिए और इसको थोड़ा बड़ा कर लीजिए, और यहाँ पर क्या करिए, इज इक्वल टू वी लुकअप लगा लीजिए, इज इक्वल टू वी लुकअप आ गया, ठीक है। अब यहाँ क्या करना है, कह रहा है लुकअप वैल्यू, किसको खोजना है, तो रमेश को खोजना है, ठीक है, कॉमा। अब क्या कह रहा है, टेबल एरे, टेबल एरे क्या होता है, यहाँ से ले करके और यहाँ तक, ये पूरा टेबल एरे के नाम से जाना जाता है, इसको आपको सेलेक्ट करना है, सेलेक्ट हो गया ना। अब क्या करना है, ये जो टेबल एरे में आपने सेलेक्ट किया है ना इतने पार्ट को, ये A1 से लेकर
09 तक, इसको फिक्स करना है। फिक्स कैसे होता है, मैंने आपको सेल रेफरेंस बताया था। सेल रेफरेंस का कॉन्सेप्ट क्या है, तीन प्रकार के सेल रेफरेंस होते हैं एक्सेल में, एक रिलेटिव सेल रेफरेंस जिसमें कुछ भी फिक्स नहीं होता है, एक मिक्स्ड सेल रेफरेंस जिसमें या तो रो या तो कॉलम फिक्स होता है, और एक होता है एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस जिसमें दोनों फिक्स होता है, रो भी फिक्स और कॉलम भी फिक्स, और दोनों को मिलाने से, रो और कॉलम को मिलाने से तो आप जानते ही हैं क्या बनता है, स्प्रेडशीट बनती है। अब F4 दबा करके, F4 फंक्शन की है वो दबा करके आप इसको फिक्स कर दीजिए। देखिए सबके पहले डॉलर लग चुका है, अब आपको कॉमा देना है और यहाँ लगाना है एक फॉर्मूला मैच, तो यहाँ मैच लगा लीजिए। मैच लगा करके कह रहा है लुकअप वैल्यू किसको खोजना है, तो ऑब्टेंड मार्क्स को खोजना है, कॉमा दीजिए। कहाँ, अब ये क्या कह रहा है, लुकअप एरे कहाँ मिलेगा ऑब्टेंड मार्क्स, तो ये देखिए इसी टाइटल में कहीं ऑब्टेंड मार्क्स हमें मिलेगा। ओके, न एक भी कम न एक भी ज्यादा, ठीक है, यहां तक सेलेक्ट हो गया। अब इसको भी आपको फिक्स करना है, तो F4 दबा दीजिए, फिक्स हो जाएगा ये भी। तो देखिए ये पूरा फिक्स नहीं हुआ है, गड़बड़ हो जाएगी, ठीक है। तो यहां से पकड़िए और शिफ्ट दबा करके और ये इधर कर लीजिए, ये पूरा सेलेक्ट हो जाएगा। ये गड़बड़ हो रही है थोड़ी सी, सेलेक्ट करिए इसको आराम से, वेरी गुड, यहाँ तक बस। अब F4 दबा के फिक्स कीजिए, ये सब फिक्स हो गया आप देख सकते हैं, ठीक है। कॉमा दीजिए, कॉमा देने के बाद यहाँ पे मैच टाइप दे रहा है, ठीक है, यहाँ पे क्या दे रहा है, मैच टाइप, तो हम यहाँ जीरो लिखेंगे क्योंकि एग्जैक्ट मैच, ये देखिए आ रहा है एग्जैक्ट मैच, माने इनमें से जो नाम लिखा हुआ है, जो नंबर लिखा हुआ है, एग्जैक्ट माने होता है बिल्कुल वही जो आप खोज रहे हैं, ठीक है। तो एग्जैक्ट माने जीरो, यहां देखिए एग्जैक्ट के लिए क्या दिया हुआ है, जीरो, तो हमको यहां जीरो लिखना है। मैं ऑलरेडी जीरो लिख चुका हूं, तो इस ब्रैकेट को बंद करता हूं और वी लुकअप के छूटे हुए फॉर्मूले को पूरे करने के लिए यहां देखिए एग्जैक्ट मैच दे रहा है, ठीक है। तो अगर यहां भी एग्जैक्ट मैच अगर आपको लेना है तो जीरो ही लिखना होगा, तो जीरो लिख दीजिए और इसको बंद कीजिए। और जैसे ही आप एंटर करिएगा तो यहां देखिए रमेश के कुल मिला के 290 नंबर आए हैं। चलिए देखते हैं सच्चाई क्या है, ये रमेश हैं, देखिए 290 नंबर हैं क्या टोटल यहां पे, ये ऑब्टेन मार्क्स 290 हैं कि नहीं। ओके, चलिए आइए समझते हैं, ये रमेश जो है इस नाम को अगर हम चेंज कर दे तो क्या होगा। यहां लिखता हूं AM, देखिए जिस लेटर में लिखा हुआ है उसी लेटर में अंबिका, ये लिख दिया हमने। अब एंटर करूं, ये देखिए 250 नंबर, अंबिका के कितने मार्क्स आए हैं देखिए, ये देखिए 250 मार्क्स आए हैं, ठीक है। अच्छा अच्छा, ऑब्टेंड मार्क्स हमें नहीं देखने हैं, मान लीजिए गार्जियन ये कहे कि हमें ड्राइंग के मार्क्स देखने हैं या मैथ्स के लिए बहुत ज्यादा उत्सुक होते हैं लोग, तो हमें मैथ का मार्क देखना है, तो MATH यहां टाइप कर दीजिए, आपका काम खत्म है, ठीक है। अंबिका के मैथ्स के मार्क आ चुके हैं, देखिए मैथ्स में इन्होंने 77 नंबर गेन किए हैं, देख लीजिए आप अंबिका ये है, मैथ्स में कितने नंबर हैं 77, तो बहुत काम का फॉर्मूला है कि नहीं, बहुत। अगला जो हमारा फॉर्मूला है उसको देखते हैं, चलिए थोड़ा मैं और जूम कर दूं इसको। तो देखिए ये मॉड फार्मूला हम आपको आगे सिखाने जा रहे हैं, तो आइए देखते हैं मॉड फार्मूला कैसे लगा सकते हैं और कैसे इसको यूज़ करेंगे। यहाँ मैं लिखता हूँ मॉड MOD, ये मॉड फार्मूला है, ठीक है। ये सेस बताता है कि सेस क्या बचा हुआ, जैसे यहाँ 5 है और यहाँ 2 है, ठीक है। तो इक्वल टू का निशान से कोई भी फार्मूला एक्सेल में स्टार्ट होता है, और यहाँ मैं लिखता हूँ MOD मॉड, ठीक है। और यहाँ दिया हुआ नंबर, तो नंबर क्या है 5 है, इसको सेलेक्ट कर लीजिए। यहाँ आ गया A3 में लिखा हुआ है 5, ठीक है। और डिवाइजर किससे डिवाइड करना है, 2 से डिवाइड करना है, तो 2 को सेलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है। और यहाँ पर बंद करता हूँ ब्रैकेट को, इंटर प्रेस करता हूँ, तो यहाँ शेष जो बचता है, रिमाइंडर जो बचता है वो आ गया 1। तो ये है आपका मॉड फार्मूला, ठीक है। इसको मैं ब्लैक कर देता हूँ और यहाँ से इसको कर देता हूँ वाइट, ओके। और इसको कर देता हूँ थोड़ा बड़ा और बोल्ड भी कर देता हूँ थोड़ा और बड़ा, ठीक है। अब आते हैं अगले फॉर्मूले पर, ठीक है। अगला जो हमारा फॉर्मूला है उसका नाम है सम इफ, ठीक है। सम इफ ये फॉर्मूला हम देखेंगे, सम इफ फॉर्मूला कैसे यूज कर सकते हैं हम। इसको जरा मैं थोड़ा और बड़ा कर दूं और बोल्ड कर दूं,
आइए देखते हैं। जैसे मान लीजिए हमारे पास एक हम कोई जैसे मान लीजिए सेलर हैं और हम बेचते हैं नोकिया का मोबाइल, फिर बेच रहे हैं सैमसंग का मोबाइल, सैमसंग ठीक है, और लेनोवो का मोबाइल LENOVA लेनोवो ठीक है, और फिर एक और नोकिया का मोबाइल ठीक है, और सैमसंग का फिर से SAMSUNG ठीक है, और रेडमी ठीक है, और लावा। तो इतने क्वालिटी के मोबाइल हम बेच रहे हैं ठीक है। कैसे, कौन कौन बेच रहा है, यहाँ पर उनके नाम है जो बेच रहे हैं इसको ठीक है। मैं यहाँ पर लिखता हूँ श्याम, और यहाँ लिखता हूँ राम, आफताब ठीक है, और इसी नाम को मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ और उसको डाल देता हूँ यहाँ नीचे पेस्ट ठीक है, और यहाँ लिख देता हूँ एक नाम रानी, एक लिख देता हूँ राजा, ये रानी है और ये राजा है, और यहाँ फिर से इसको कॉपी कर लेता हूँ और इसको यहाँ पे डाल देता हूँ ठीक है। तो ये इतने सारे नाम हैं। अब सम फॉर्मूला हमें समझना है ठीक है, जरा मैं बॉर्डर बना दूँ, यहाँ पे हम लगाएंगे सम इफ फॉर्मूला, सॉरी ये ऐसे ठीक है। तो सम इफ फॉर्मूला लगाना है, और एक ये छूट गया है इसको भी लगा ही लेते हैं। यहाँ पे देखिए यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे जैसे मान लीजिए 5 मोबाइल यहाँ बिकी, यहाँ 7 मोबाइल बिकी, यहाँ 4 मोबाइल बिकी, यहाँ 2 बिकी, और यहाँ 1 बिकी ठीक है, यहाँ फिर 2 ठीक है, और यहाँ फिर 1 ठीक है, ऐसे ये मोबाइल बिकी है। तो सम इफ फॉर्मूला कैसे उपयोगी है आइए देखते हैं। सबसे पहले हमें इक्वल टू का निशान बनाना है और यहां लिखना है सम इफ ठीक है, और यहां देखिए दे रहा है रेंज, तो कौन सी रेंज सेलेक्ट करनी है, ये वाली रेंज सेलेक्ट कर लिया हमने, कर लिया। उसके बाद अब क्या करना है, क्राइटेरिया देना है ठीक है। क्राइटेरिया कैसे देंगे, कॉमा दीजिए और यहां पर दीजिए, जैसे मान लीजिए कि हमें किसका किसका पता करना है, जैसे मान लीजिए हमें यह पता करना है कि सैमसंग का कितना मोबाइल बिका हुआ है ठीक है, तो सैमसंग को हमने सेलेक्ट कर लिया। अब कॉमा दीजिए, अब क्या करना है, अब आपको ये वाला कॉलम सेलेक्ट कर लेना है ठीक है, क्योंकि इसी में लिखा हुआ है अमाउंट कि कितना कितना मोबाइल बिका हुआ है ठीक है। अब इसको इंटर करिए, तो जैसे ही इंटर करते हैं तो यहाँ 8 आता है। अब देखते हैं कि सैमसंग का कितना मोबाइल बिका हुआ है, तो यहाँ 7 मोबाइल बिकी हुई है, और यहाँ देखिए एक लोग और सैमसंग के मोबाइल बेच रहे हैं जिन्होंने 1 मोबाइल बेचा है, यानी कुल मिला के 8 मोबाइल सैमसंग का बिका हुआ है। तो आई होप कि ये बात आपको समझ में आई होगी कि सम इफ फॉर्मूला कैसे काम करता है ठीक है। आप चाहे तो नाम के बेस पे भी निकाल सकते हैं, कैसे निकाल सकते हैं आइए देखते हैं। यहाँ पर इज इक्वल टू का निशान बनाइए और लिखिए सम इफ ठीक है, सम इफ लिखा आपने, और अब क्या करना है, इसको सेलेक्ट कीजिए आप, ये नाम वाले कॉलम को ठीक है, सेलेक्ट किया कॉमा दीजिए। अब आपको पता करना है कि आफताब ने कितनी मोबाइलें बेची हैं, कॉमा दीजिए और ये पूरा लाइन सेलेक्ट कर जाइए और बंद कीजिए और एंटर करिए। तो ये देखिए आफताब ने 6 मोबाइलें बेची हैं, देखिए कैसे 4 यहां पे 2 यहां पे, बस यही तो है। तो आई होप कि ये बात समझ में आई होगी। चलिए अगला फॉर्मूला हम देखते हैं, और सम इफ के बाद जो अगला फॉर्मूला है हमारा फॉर्मूला क्या, हम इस टैब का यूज देखेंगे। जैसे मान लीजिए कि यहां पर हमको लिखना है सम इप्स लिखना है, मान लीजिए लिखना है यहां पे सम इप्स लिख दिया हमने ठीक है, और अब हम चाहते हैं कि यहां पर जो फॉर्मेट अप्लाइड हुआ है वही फॉर्मेट यहां पर भी अप्लाई हो जाए। कैसे अप्लाई होगा, आपको जाना है फॉर्मेट पेंटर पे, क्लिक करना है और यहां पे बस क्लिक कर दीजिए करके, और देखिए जैसा फॉर्मेट ये वाला है वैसा ही फॉर्मेट यहां भी अप्लाई हो गया, यानी फॉर्मेट पेंटर का भी आपने यूज सीख लिया यहां पे ठीक है। अब देखिए अब यहां पर जाने से क्या होगा, ये ग्रो फॉन्ट है, फॉन्ट जो है बड़ा हो जाएगा आपका, देखिए फॉन्ट बड़ा हो रहा है। अब यहां पर क्लिक करिएगा तो क्या होगा, फॉन्ट छोटा होगा। आई होप कि ये बात समझ में आई होगी। और यहां पर देखिए ये क्या है, तो देखिए मैं आपको बताता हूं, यहां पे मैं कुछ लिखता हूं, जैसे मैं लिखता हूं शाइनिंग इंडिया मार्ट
ठीक है, ये लिख दिया हमने। तो यहां पर देखिए अल्ट एच ओ आई करिए, ठीक है, ये रिसाइज हो गया, अल्ट एच ओ आई करने से ये रिसाइज हो जाता है। अब देखिए हमको क्या समझना है कि जैसे ये बी और आई और यू का क्या यूज है, ठीक है, तो यहां बी पर क्लिक करिएगा तो बोल्ड हो जाएगा, ये गाढ़े में आ जाएगा, आई क्लिक करिएगा तो तिरछा हो जाएगा, इटैलिक बोलते हैं इसे, और यू पर क्लिक करिएगा तो ये अंडरलाइन हो जाएगा। तो देखिए ये अंडरलाइन हो चुका है, आप देख सकते हैं इसको, तो ये बात भी आपको समझ में आई होगी। यहां से हम साइज बढ़ा सकते हैं फॉन्ट की, ये देखिए इतना बड़ा हो गया, अगर छोटा करेंगे तो छोटा हो जाएगा, ठीक है, तो ये साइज बढ़ गई। यहां से आप फॉन्ट चेंज कर सकते हैं, जो भी फॉन्ट चाहें आप लगा सकते हैं अपनी इच्छा के अनुसार, आपको जो भी फॉन्ट पसंद आए, ठीक है। और ये देखिए यहां से कलर चेंज होगा फॉन्ट का, अगर व्हाइट कलर करना चाहे तो व्हाइट कलर कर दीजिए, और फिर आपको बैकग्राउंड को ब्लैक करना होगा तभी ये दिखेगा, तो ये ब्लैक हो गया, ठीक है। फिलहाल मैं व्हाइट जैसा था वैसा ही रखता हूं, ठीक है, तो ये हो गया। इसके बाद यहां पर आते हैं तो देखिए हमारा टेक्स्ट किधर है, नीचे की तरफ है, आप देख सकते हैं इसको नीचे की तरफ ये आ रहा है, इसको मिडिल अलाइन करना है, बीच में करना है, उसी कॉलम में बीच में करना है, तो यहां पर क्लिक करिएगा तो बीच में हो जाएगा। देखिए इस पे है ना, इस पे अगर हम मिडिल पे क्लिक करते हैं तो ये बीच में हो जाएगा, हमारा टेक्स्ट जो है बीच में आ जाएगा। आपको ऐसे पता नहीं चल पा रहा है, मैं आपको दिखाता हूं एक तरीके से, यहां पे देखिए ये जो है नीचे दिखाई पड़ रहा है, अगर इस पे क्लिक करूंगा मैं तो ये बीच में हो जाएगा, देखिए बीच में आ गया ना, तो ये मिडिल में करने के लिए। और इससे क्या होगा, यहां पे देखिए क्या लिखा हुआ है, टॉप अलाइन, तो ऊपर अलाइन हो जाएगा, ऊपर चला जाएगा, और ये नीचे आ जाएगा, बॉटम अलाइन है, ठीक है। तो ये बात है, समझ में आया। और अब देखिए ये टेक्स्ट हमेशा किधर अलाइन होता है, लेफ्ट साइड में, अगर आप राइट करना चाहते हो तो राइट भी हो जाएगा। ये यहां पर देखिए क्या दिया हुआ, राइट अलाइन, तो राइट में कर दीजिए, आपको मिडिल करना है तो मिडिल कर दीजिए सेंटर में, और ये लेफ्ट में तो रहता ही है ये, ठीक है। तो ये बात समझ में आई होगी। और जैसे मान लीजिए ये समीप लिखा हुआ है, आप इसको स्टाइलिश करना चाहते हैं तो यहां से देखिए अलग अलग स्टाइल दिए हुए हैं, आप जैसे चाहे वैसे कर सकते हैं। यहां पर देखिए ये पहली स्टाइल, ठीक है, ये इस तरह से हो गया, ठीक है, इसको यहां से थोड़ा ये देखिए ये इस तरह से हो गया स्टाइल में, इसमें तमाम अलग अलग प्रकार के स्टाइल दिए हुए हैं। यहां से क्लिक करिए तो ये ऐसे हो जाएगा, अगर आप इसको ऐसे बनाना चाहें तो ऐसे भी हो जाएगा, अगर ऐसे करना चाहें तो ऐसे भी हो जाएगा, ठीक है, जैसे आप चाहें वैसे ये हो जाएगा अपने आप, ठीक है। तो ये भी बात आपको समझ में आ गई होगी, ये इंटेंट है, देखिए इंटेंट। तो इसकी शॉर्टकट की क्या होती है, कंट्रोल अल्ट शिफ्ट और टैब एक साथ दबाना होता है, तो डिक्रीज होगा। डिक्रीज होने का क्या मतलब है, क्लिक करता हूं यहां पे, देखिए इस पे रखता हूं और इसको डिक्रीज करता हूं, तो पहले से ये डिक्रीज है, लेफ्ट साइड में है तो डिक्रीज है, अब इसको बढ़ाता हूं तो ये राइट साइड में आएगी तो ये इंक्रीज होगी, ठीक है। तो ये इंक्रीज इंटेंट और डिक्रीज इंटेंट था, ठीक है। और ये रैप टेक्स्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कैसे इसको करेंगे मैं दिखाता हूं। जैसे मान लीजिए ये समीप लिखा हुआ है, इसका कॉलम अगर छोटा पड़ जाता है, ठीक है, ये देखिए और छोटा करता हूं मैं इस कॉलम को, तो ये इसमें आ नहीं रहा है, तो क्या करेंगे आप, रैप टेक्स्ट पे क्लिक कर दीजिए, तो सम इप्स ये ऊपर नीचे करके आता है, तो इसे रैप टेक्स्ट कहते हैं, ठीक है। यहां पर देखिए ये अलग अलग प्रकार के यहां पर दिए हुए हैं फॉर्मेट, अगर आपको नंबर का फॉर्मेट चाहिए तो नंबर का ले सकते हैं, करेंसी चाहिए तो करेंसी ले सकते हैं, डेट टाइम, अलग अलग प्रकार के फॉर्मेट दिए हुए हैं, तो यहां से आप फॉर्मेट ले सकते हो, ठीक है। यहाँ पे सेल को मर्ज करा सकते हो, जैसे ये एक सेल है, यहाँ पे मैं लिखता हूँ 1 पहचान के लिए और यहाँ पे लिखता हूँ 2, इन दोनों को एक साथ हमें मर्ज कराना है, तो देखिए या तो 1 रहेगा या तो 2 रहेगा जब मर्ज कराएंगे, तो इन दोनों को सेलेक्ट करिए और यहाँ मर्ज में तमाम ऑप्शन दिए हुए हैं, ठीक है। हम पहले ऑप्शन पर क्लिक करते हैं तो ये देखिए दोनों आपस में मर्ज हो जाएंगे, तो ये एक बच गया, मैंने कहा था कोई एक ही बचेगा, ठीक है। यहाँ पर अगर आप कोई नंबर लिखते हो, जैसे मान लो कि 1000, ठीक है, तो ये चीज जो है यहाँ पे अगर कॉमा दे देते हैं, हम ये कॉमा वाले पे क्लिक करते हैं तो ऐसे इस तरह से दशमलव लिख करके आ जाता है, ठीक है। ये डॉलर का निशान है, अब अगर आप डॉलर में बनाना चाहते हो तो डॉलर, ये देखो $10,000 बन गए हैं ये, तो ये डॉलर हो जाएंगे, ठीक है। परसेंटेज का निशान चाहिए तो यहां से बना सकते हैं। कंडीशनल फॉर्मेटिंग लगानी है तो कंडीशनल फॉर्मेटिंग भी लगा सकते हैं। हम कैसे लगाएंगे, ये देखिए कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे जाएंगे, हाईलाइट सेल रूल्स पे जाएंगे, ग्रेटर देन दिया हुआ है तो ग्रेटर देन कितने से ग्रेटर चाहिए हमें, ठीक है, कितने से ग्रेटर चाहिए हमें, 2 से ग्रेटर वाला, या फिर हमें 8 से ग्रेटर वाला चाहिए, या फिर 5 से ग्रेटर वाला चाहिए, ठीक है। इंटरप्रेस करता हूं मैं, तो देखिए जो 5 से ग्रेटर वाला है वो रेड कलर में हाईलाइट हो गया है, ठीक है। इसमें देखिए 5 से जो ग्रेटर है, तो देखिए एक ही है 5 से ग्रेटर ये वाला, तो ये हाईलाइट हो गया है, ठीक है।
अब आते हैं इसी पर और फिर चलते हैं अब लेस देन पे आते हैं। तो लेस देन क्या करेंगे, लेस देन कितना कर देंगे हम 5 या लेस देन 6 कर देंगे, ठीक है। और यहाँ पे डार्क जो दिया हुआ है इसको ग्रीन कर देंगे हम ताकि आपको पता चले। तो देखिए जो लेस देन है और जो ग्रेटर देन है ये दोनों आ गया है, तो अलग अलग ऑप्शन है इसमें आप कर सकते हैं, ठीक है। और इसी तरह से ये यहाँ पे फॉर्मेट टेबल दिया हुआ है, तो ये फॉर्मेट टेबल भी आप लगा सकते हैं, ये भी लगाना बहुत आसान है। मैं आपको एक डेमो दे के दिखाता हूँ यहाँ पे। जैसे मान लीजिए कोई पुराना डॉक्यूमेंट मैं खोल लेता हूँ, ये नहीं कोई और, देखता हूँ कौन सा है, ये देखिए इस पे हम लगा के दिखाता हूँ, मैं लगा के दिखाता हूँ, ये देखिए ये आप सेलेक्ट कर लीजिए, इतना पार्ट आपको सेलेक्ट रखना है, ठीक है। और कहाँ क्लिक करना है, यहाँ फॉर्मेट एस टेबल पे क्लिक करना है और इस पे क्लिक कर देना है, ओके प्रेस कीजिए। चूंकि यहाँ पे ये इसको हटा दीजिए, आप इन दोनों को एक में मर्ज करा दीजिए, यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ और यहाँ पे सब्जेक्ट 1 लिख देता हूँ, SUB 1, ठीक है ये हो गया। तो अब जो है इस पे हम लगाएंगे, यहां से इसको पकड़िए और यहां पे क्लिक करिए, चूंकि यहां पे ये मर्ज हो गया है इसी वजह से ये लग नहीं पा रहा है। मैं आपको दूसरे टेबल में दिखाता हूं, इस पे क्लिक करता हूं, जैसे मान लीजिए यहां है नेम, ठीक है, और यहां मैं लिखता हूं कुछ नाम, जैसे राम, श्याम, सचिन, रानी, ठीक है। तो ये मैंने नाम लिख दिया है, ये एक नाम हटेगा इसमें से, ये दो दो नाम आ गया है एक ही कॉलम में, श्याम और यहाँ पे सचिन कर देता हूँ, SACHIN, ठीक है। तो ये सचिन हो गया, तो यहाँ पे क्लिक कीजिए, मैं थोड़ा जूम भी करता हूँ ताकि आपको ठीक से दिखाई पड़े, ये सचिन हो गया। तो यहाँ पे देखिए क्या करना है, यहाँ पे टाइटल पे रख करके आपको और यहाँ फॉर्मेट एस टेबल पे इस पे क्लिक कर दीजिए और ओके प्रेस कर दीजिए। तो यहाँ पे देखिए इस तरीके से आ गया है, आप यहाँ से फिल्टर कर सकते हैं जो चाहे वो, यहाँ पे क्लिक कीजिए, ठीक है। बाकी सब आपको नहीं चाहिए, आपको क्या क्या चाहिए जो जो चाहिए इसमें आ गया है, बाकी एक नाम गायब हो गया है, ठीक है। यहाँ पे क्लिक करिए और फिर आप फिल्टर कर सकते हैं, आपको ये नहीं चाहिए ओके करिए, ये भी गायब हो गया। तो इस तरीके से इसका भी यूज़ कर सकते हैं, अलग अलग कलर में भी आ जाएगा ये, ठीक है। इसके बाद अब अगले टॉपिक पे आते हैं, ये सेल स्टाइल दिया हुआ है तो सेल स्टाइल भी आप लगा सकते हैं इस तरह से, ठीक है। और सेल स्टाइल के बाद अब इंसर्ट पे आते हैं, तो अगर आपको रो सीट इंसर्ट करानी है या कॉलम इंसर्ट कराना है, जैसे यहां मैंने 2 लिखा है, फिर यहां लिख दिया 3, ठीक है, तो ये 3 हमने लिख दिया। इसके बाद अब क्या करना है, यहां इंसर्ट पे गए और सेल इंसर्ट कराना है आपको सेल, ठीक है। कहां इंसर्ट कराना है, जैसे मान लीजिए यहां पर आपको सेल चाहिए, ठीक है, तो इंसर्ट पे जाइए, जैसे रो इंसर्ट करानी है, रो माने क्या, ये 2, 3, 4 ये दिख रहा है ना, ये रो होती है, तो यहां पर रो एक इंसर्ट करानी है, तो क्या करिएगा, इंसर्ट पे जाइए और इंसर्ट रो सीट कर दीजिए, तो एक रो देखिए यहां एक्स्ट्रा इंसर्ट हो गया, आप देख सकते हैं, ठीक है। मैं यहां पे कुछ लिख देता हूं जिससे आपको पता चलेगा, जो रो नई इंसर्ट हो रही है वो आपको पता चल जाएगी। देखिए मैं यहां पे रखता हूं और इंसर्ट करा के दिखाता हूं, ये देखिए एक रो इंसर्ट हो गई खाली वाली, ये आप देख सकते हैं। इसी तरह से आप कॉलम भी इंसर्ट करा सकते हैं, यहां पे रखिए और यहां से कॉलम इंसर्ट करा लीजिए। कैसे इंसर्ट कराएंगे, कॉलम यहां पे रखिए और इंसर्ट पे जाइए और कॉलम पे इंसर्ट कराइए, इंसर्ट हो गया, ठीक है, आप देख सकते हैं इसको। इसके बाद यहां पे देखिए क्या दिया हुआ है, इंसर्ट टेबल रोज एबव, टेबल रो ऊपर इंसर्ट कराना है आपको, देखिए जितना था उतना इंसर्ट हो गया, ठीक है, इस तरीके से आप। अब यहां देखिए टेबल कॉलम लेफ्ट में इंसर्ट होगा तो लेफ्ट में इंसर्ट हो गया, लेफ्ट माने बाएं, ठीक है। और ये सीट इंसर्ट करानी है तो सीट भी इंसर्ट हो जाएगी, नई सीट आ गई, ठीक है, पुरानी सीट चली गई। मैं कंट्रोल जेड प्रेस करता हूं ताकि एक स्टेप पीछे आ सकूं, ठीक है।
इसके बाद यहां डिलीट का ऑप्शन दिया हुआ है, तो जो भी डिलीट करना है, सेल डिलीट करना है, सेल डिलीट कर दीजिए आप, ठीक है। और फिर अगर शीट डिलीट करनी है तो शीट डिलीट कर दीजिए, रो डिलीट करना है रो डिलीट कर दीजिए, जो भी डिलीट करना है उसको सेलेक्ट करके डिलीट कर सकते हैं आप। फॉर्मेट में आएंगे तो रो की हाइट कितनी होती है, देखिए यहाँ रो की हाइट बाय डिफॉल्ट 15 होती है, ये पूछा भी जाता है बहुत बार एग्जामिनेशंस में, ठीक है, हाइट जो है 15 होती है। अच्छा, ये ऑटो फिट दिया हुआ है, ठीक है। ऑटो फिट क्या होता है, जैसे मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे अगली शीट पे जाकर कि ऑटो फिट क्या होता है। यहाँ पे मैं लिखूंगा एस यू आर ए जे कुमार तिवारी, सूरज कुमार तिवारी मैंने लिखा, आप देख सकते हैं इसको। इसके बाद यहाँ पर मैं रखता हूँ और ऑटो फिट पे क्लिक करूँगा, देखिए यहाँ पे मैं क्लिक करूँगा ऑटो फिट रो हाइट, तो रो हाइट तो पहले से फिट है, हमें विथ फिट करनी है, तो ऑटो फिट कॉलम विथ, तो देखिए फिट अपने आप हो जाएगी, ठीक है। तो ये फायदा है इसका, ठीक है। और हाइड करना है, जैसे हम ए वाले क्या हाइड करना है, यहाँ देखिए हाइड अनहाइड दे रहा है, कॉलम हाइड करना है तो कॉलम हाइड हो गया। अब ये आएगा कैसे वापस, तो यहाँ पर रखिए कर्सर को और ये पूरा सेलेक्ट हो जाएगा। अब जाइए फॉर्मेट पर और जहाँ पर आप गए थे हाइड करने के लिए अनहाइड कर दीजिए उस कॉलम को, तो अनहाइड हो गया, ठीक है, ये तरीका है। इसके बाद जो है इसमें ऑटो सम दिया हुआ है, ऑटो सम जोड़ने के लिए है। और यहाँ पे देखिए ये फिल करना है, अगर किसी सीरीज फिल करना है आपको, जैसे 1 2 3 लिख रहे हैं आप, जैसे देखिए 1 2, ठीक है, तो ये सीरीज अगर फिल करनी है तो यहाँ से सीरीज भी फिल हो सकती है, ठीक है, तो ये इसके लिए है। और इसको क्लियर करना चाहते हैं तो यहाँ से क्लियर कर सकते हैं। ये देखिए सॉर्टिंग का ऑप्शन आ रहा है, डेटा सॉर्टिंग क्या होती है मैं आपको बताता हूँ अभी। इसमें जाना होगा हमें, कोई रिकॉर्ड पहले से बना होगा उसको इंसर्ट कराता हूँ। ये देखिए डेटा सॉर्टिंग मैं करके दिखाता हूँ, इस पर मैंने रखा है, ये टाइटल है हमारा, थोड़ा और जूम करता हूँ, ये देखिए ये टाइटल है हमारा, इस पर मैं रखता हूँ और डेटा सॉर्ट करके दिखाता हूँ। क्लिक किया हमने, ए टू जेड करना है या जेड टू ए करना है या नंबर कैसे आप सॉर्ट करना चाहते हैं ये आपके ऊपर डिपेंड है, ठीक है। अब देखिए मैं इधर आ जाता हूँ थोड़ा और इस पर रखता हूँ, ठीक है, और डेटा सॉर्ट करके दिखाता हूँ आपको। इसको पहले अनमर्ज करना होगा, ये मर्ज हो गया है तो ये हो गया, ठीक है। अब यहां पर रख करके और डेटा को सॉर्ट करूंगा मैं, देखिए कैसे यहां पर रखा मैंने और यहां डेटा सॉर्टिंग पे क्लिक किया और ए टू जेड के क्रम में सॉर्ट करना, तो जेड टू ए के क्रम में किया, तो ये देखिए नहीं हो पा रहा है क्योंकि ये थोड़ा अव्यवस्थित तरीके से बना हुआ है, ठीक है। अगर व्यवस्थित तरीके से ये बना होता, अब मैं एक काम करता हूँ इसको पूरे को सेलेक्ट करता हूँ, अब करके देखता हूँ डेटा सॉर्टिंग होता है या नहीं, तो देखिए ये हो रहा है, ठीक है, कंटिन्यू विथ करंट सेक्शन, तो ये देखिए डेटा सॉर्ट हो गया जेड टू ए के क्रम में, तो ये डेटा सॉर्टिंग कहलाता है, ठीक है। फाइंड एंड सेलेक्ट क्या होता है, इसमें देखिए फाइंड रिप्लेस गो टू स्पेशल फॉर्मूलाज कमेंट ये सारे ऑप्शन दिए हुए हैं, इन सब का अपना अपना यूज है। जैसे मान लीजिए मैं आपको एक करके दिखाता हूँ इसमें से, जैसे मान लीजिए इस पे मैं गया और फाइंड करना है, जैसे मान लीजिए इसी में से हमें कुछ फाइंड करना है, तो इसको सेलेक्ट कर रखा है मैंने और फाइंड करना है, फाइंड पर क्लिक किया हमने, ठीक है। जैसे हमें फाइंड करना है वी आई एस एन यू, ये फाइंड करना है, क्लिक कर इंटर करता हूँ, तो देखिए विष्णु जो है हाईलाइट हो गया है, बाकी सब हाईलाइट नहीं है लेकिन विष्णु ऑप्शन जो है हाईलाइट हो गया है, ये यूज है फाइंड का, ठीक है। और रिप्लेस का क्या यूज है वो भी देख लेते हैं। रिप्लेस पे क्लिक किया मैंने, विष्णु की जगह हमें क्या चाहिए, राम चाहिए, आर ए एम, ठीक है। और जैसे ही इंटर करूंगा तो देखिएगा क्या होगा, एक मिनट, आर ए एम इंटर करूं तो ये देखिए यहां पे क्लिक किया हमने रिप्लेस पे, तो विष्णु की जगह ये आप ऑटोमेटिकली राम लिख करके आ गया, ठीक है। तो आई होप कि ये बात समझ में आई होगी। और इसमें और भी ऑप्शन है, जैसे गो टू का ऑप्शन है, तो गो टू पे क्लिक करिएगा तो ये बॉक्स खुल के आएगा, ठीक है। और आप रेफरेंस देना चाहें तो इसमें रेफरेंस दे सकते हैं, ठीक है, इसमें कमेंट लगा सकते हैं, कॉन्स्टेंट फॉर्मूला, ये सारी ऑप्शन इसमें दिए हुए हैं। इसको हम लोग किसी और वीडियो में सीखेंगे क्योंकि ये वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। और यहाँ पर देखिए ये ऑप्शन जो है क्लोज के लिए दिया हुआ है, ये इस पेज को क्लोज कर देगा, ठीक है, क्लोज हो गया। अब ये देखिए इस पर क्लिक किया तो ये पेज क्लोज हो गया, ठीक है, और इस पर क्लिक किया तो ये पूरा क्लोज हो जाएगा, ठीक है।
तो अभी इसको क्लोज नहीं करना है, इस पर क्लिक कर सकते हैं आप, ये ऑप्शन क्लोज हो जाएगा, ये वाला पेज क्लोज हो गया, ठीक है। इसी तरह से करके इस पर क्लिक करेंगे तो ये वाला पेज क्लोज हो जाएगा। तो इस तरह से करके क्लोज करने के लिए इसका यूज होता है, ठीक है। उम्मीद करता हूँ यह वीडियो आपको पसंद आई होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।